Hi, this is Sejyoti Deshwal and I welcome you all to another revision class of CA Inter Audit Detailed Revision की जो भी आपकी सीरीज चल रही है. इस क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं? इस क्लास में हम कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 की डिटेल्ड रिवीजन. आई एम श्योर कि अगर आपने पहले दो लेक्चर भी देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम इस सीरीज़ को डिटेल्ड रिवीजन सीरीज़ क्यों कह रहे हैं. इसका सिंपल सा रीज़न है कि हम इन क्लासेस में सिर्फ चैप्टर को रिवाइज नहीं करने वाले हैं, रादर हम चैप्टर को डिटेल में जाके तो नहीं बट कंसेप्ट की क्लैरिटी लेते हुए समझेंगे. हम कहाँ से कवर करेंगे इस चैप्टर को? सो वी आर गोइंग टू कवर दिस चैप्टर फ्रॉम दीज नोट्स. ये मेरी बुक है, मेरी बुक के नोट्स हैं और हम साथ साथ में थोड़े थोड़े से कंसेप्ट के चार्ट्स भी बनाते हुए चलेंगे. इस चैप्टर को, क्योंकि ये आईटी के ऊपर बेस्ड चैप्टर है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जब कोई भी एंटिटी एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में काम करती है, इसमें वो सारी चीज़ें कवर्ड हैं. क्योंकि इसमें आईटी के टर्म्स यूज्ड किए गए हैं तो इसलिए हम थोड़े से निमोनिक के साथ इस चैप्टर को कवर करेंगे. लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जस्ट बिकॉज मैंने इस क्लास के रिवीजन के लिए आई एम यूजिंग निमोनिक, इट डज नॉट मीन कि जितनी भी बाकी की रिवीजन सीरीज आएंगी उन सब में निमोनिक्स यूज होंगे. बिकॉज आई डोंट बिलीव इन रेटिफिकेशन, आई डोंट बिलीव इन यूजिंग निमोनिक्स, आई बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग, राइट. मैं थोड़ा सा, इनफैक्ट जहां पे मैं निमोनिक्स का यूज भी करूंगी इस क्लास में, वहां पे भी मैं चीजों को समझाऊंगी. सो प्लीज बी अटेंटिव ड्यूरिंग दिस क्लास. आपको आपको जोन से मर्जी नोट यूज करने हैं, नोट्स यूज करने हैं, आप वो नोट्स यूज कर सकते हो. जब मैं एक कंसेप्ट को पढ़ा दूंगी उसके बाद व्हेन आई विल ड्रॉ दिस चार्ट्स हेयर, जहां पे भी ये मेरी बुक है तो मैंने स्पेस रखा हुआ है अपनी रेगुलर क्लास के लिए. आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी नोटबुक में उस चार्ट को बना सकते हो. जब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे और शुरू करते टाइम जब आप देखोगे कि हम कितने अच्छे चार्ट्स बनाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा और आपको अच्छा लगेगा कि आप यहां से कुछ सीख के जा रहे हो, इनफैक्ट कुछ याद करके जा रहे हो, ठीक है. सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर नंबर 6. इस चैप्टर में से आप ना एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो. मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत इजिली इस चैप्टर से बनता है. इनफैक्ट एमसीक्यू में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं. एमसीक्यू में, केस स्टडी में, कहीं पे भी इस चैप्टर से क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, ठीक है. चैप्टर को शुरू करने से पहले, मतलब क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले, एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का कि चैप्टर क्या कहता है और ऑडिट में इस चैप्टर की रेलिवेंस क्या है. तो सर, चैप्टर नंबर 6 आपका बात करता है ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट. मैं ये अंडरस्टैंड कर रही हूँ, ये मान के चल रही हूँ कि आपने अपनी रेगुलर क्लासेस ले ली हैं एंड यू नो द कंसेप्ट, यू नो द ड्रिल, यू नो द सब्जेक्ट. यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हम नहीं डेवलप करेंगे, हम अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे चीज़ों की. मतलब हम इन डेप्थ जा जा के नहीं पढ़ेंगे. मैं सिर्फ ऊपर से आपको बताऊंगी लेकिन फिर भी हम कंसेप्ट की क्लैरिटी लेंगे, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं कि आपका ऑडिटर ऑडिट कैसे करेगा जब वो एक ऐसी एंटिटी की ऑडिट करने जा रहा है जो एंटिटी एक ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में काम करती है. मैम, इस ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? तो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का मतलब हुआ है एक ऐसी एंटिटी जो अपने काम करने के लिए, मेरे साथ बने रहना, जो अपने काम करने के लिए किसका यूज कर रही है, जो अपने काम करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का यूज करती है, या फिर मैं कहूं आईटी का यूज करती है, या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करती है. तो अगर कोई भी एंटिटी जो अपने काम करने के लिए, मतलब अपनी प्रोसेसेस के लिए, अपनी ऑपरेशंस के लिए, अपने अकाउंटिंग के लिए अगर कंप्यूटर सिस्टम का यूज करती है, आईटी का यूज करती है, सॉफ्टवेयर्स का यूज करती है, एप्लीकेशन का यूज करती है, और जब मेरा ऑडिटर एक ऐसी एंटिटी की ऑडिट करने जाता है तो ये चैप्टर हमारे ऑडिटर को बताता है कि ऑडिटर को ऑडिट कैसे करनी है. इस चैप्टर में हम सीखेंगे, सबसे पहले क्या सीखेंगे, आपका मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. फिर हम आगे जाके सीखेंगे कि आईटी की रेलिवेंस क्या है, आईटी की रेलिवेंस क्या है बिजनेस के लिए. बिजनेस मतलब हमारे क्लाइंट के लिए, मतलब हमारे मैनेजमेंट के लिए. उसके बाद हम सीखेंगे कि आईटी क्यों रेलिवेंट है आपके ऑडिटर के लिए.
ठीक है, उसके बाद जब एक बार ऑडिटर को ये समझ में आ जाएगा कि आईटी उसके लिए रेलिवेंट क्यों है, उसके बाद वो ऑडिट कैसे करेगा, वो ऑडिट कैसे करेगा, मतलब वो कैसे अपने इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करेगा, कैसे एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, और उस अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करके वो कैसे अपने रिस्क की असेसमेंट करेगा, मतलब वो कैसे ऐसे 315 लगाएगा, क्या लगाएगा, वो कैसे ऐसे 315 लगाएगा एक ऐसे एंटिटी की इन्वायरमेंट में जो एंटिटी अपने काम करने के लिए आईटी सिस्टम का यूज करती है, वो हम समझेंगे। जब एक बार आपका ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की असेसमेंट कर लेगा, मतलब आपका ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेगा, उसके बाद आपका चैप्टर उस ऑडिटर को बताता है कि आपके ऑडिटर को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म करने हैं, उसके बाद अल्टीमेटली आपके ऑडिटर को रिपोर्ट कैसे देनी है इस आईटी इन्वायरमेंट की एंटिटी की, इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। उसके साथ साथ हमारा ऑडिटर ये भी देखेगा कि एंटिटी ने अपने इन्वायरमेंट में, मतलब क्लाइंट ने अपनी एंटिटी में कौन कौन से कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, सो ऑडिटर जाके उनकी भी असेसमेंट करेगा। ठीक है, तो मोटे मोटे यही चैप्टर, इस चैप्टर से यही क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी है। समझ में आ गया आपको, चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आया कि ये हम चैप्टर कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आज जिस इन्वायरमेंट में हम काम करते हैं, जिस टाइप के इन्वायरमेंट में हमारी एंटिटी ऑपरेट कर रही है, वो कोई भी एंटिटी, चाहे वो छोटी एंटिटी है चाहे वो बड़ी एंटिटी है, बिना कंप्यूटर सिस्टम्स के काम नहीं कर सकती। वो अपनी अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स का यूज करती है, एप्लीकेशंस का यूज करती है, और जब हमारा ऑडिटर इस टाइप की एंटिटी में ऑडिट करने जाता है, तो हमारे ऑडिटर को इन सॉफ्टवेयर्स की, इन एप्लीकेशंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमारे ऑडिटर को ये भी पता होना चाहिए कि इन सॉफ्टवेयर्स की वजह से कौन कौन से रिस्क अराइज होते हैं, जो अल्टीमेटली रिस्क को अराइज करते हैं, किस चीज के रिस्क को, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आपकी एंटिटी में मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क होने को जो अराइज करते हैं, इन सारे रीजंस की वजह से ये चैप्टर बनता है। और आईटी की बहुत ज्यादा रेलिवेंस है ऑडिट में, बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है आईटी का और ऑडिट का, और उसी रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन, ये तो सारी एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक छोटा सा ओवरव्यू था चैप्टर को लेके, ताकि आप एक तो वार्म अप हो जाओ, ठीक है, आप वार्म अप हो जाओ, थोड़े से आप मूड में आ जाओ कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। आपका पहला क्वेश्चन, अच्छा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, बहुत सारी वीडियोस आएंगी और अच्छी वीडियोस आएंगी, अच्छा कंटेंट आएगा, और आप, और मैं चाहती हूं कि आप उस कंटेंट को सुनो, देखो, और चैनल के साथ आप ट्यून में रहो। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है देखने के बाद, आप कमेंट जरूर करो, ताकि आपका टीचर मोटिवेट हो, और आपके टीचर को भी एक गाइडेंस चाहिए होती है कि वो कौन कौन से चैप्टर पोस्ट कर सकता है, कौन कौन सी वो वीडियोज बना सकता है जो अल्टीमेटली आर गोइंग टू गिव बेनिफिट टू यू। ओके, आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है वो बनता है, मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। अब थोड़ा सा हम निमोनिक्स को यूज करेंगे, क्योंकि मैं इस क्लास में चाहती हूं कि आप समझो चीजों को, लेकिन आप याद भी करके जाओ, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी लगता है एक सीए स्टूडेंट को, रीजन बींग जहां पे आईटी की बात आती है, जहां पे कंप्यूटर सिस्टम्स की बात आती है, वहां पे थोड़ा सा हम हेजिटेट कर जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूं कि आप थोड़े से निमोनिक्स साथ साथ में बनाते चलो, इनफैक्ट अगर पॉसिबल है, जब मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा के यहां पे, जब इस वाली स्लाइड पे जाऊंगी, मतलब अपनी बुक में जाऊंगी, और जब हम यहां पे चार्ट बनाएंगे, तो आप मेरे साथ उस चार्ट को बनाओ। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन क्या बनता है, थोड़ी सी पेशेंस रखना इन डिटेल्ड रिवीजन क्लासेस में, मैं चाहती हूं कि आप थोड़ी सी पेशेंस से इन क्लासेस को सुनो। अगर आपको बहुत क्विक रिवीजन क्लासेस देखनी है, तो वो भी इस चैनल पे आएंगी, लेकिन इस क्लास के बाद, मतलब ये जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे, उससे पहले आपको वो क्लासेस अवेलेबल होंगी, लेकिन क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स में टाइम है, सो वट आई वॉन्ट फ्रॉम यू, आई वॉन्ट यू टू कीप योर पेशेंस इंटैक्ट। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बनता है, वो है मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। देखो सर, आपका ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट क्या होता है,
ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट कहते हैं, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट कहते हैं किसे? इट रेफर्स टू एक ऐसा इन्वायरमेंट, कैसा इन्वायरमेंट मैम, जहां पे आपकी एंटिटी का पोड, पोड मतलब जहां पे आपकी एंटिटी की प्रोसेसेस, जहां पे आपकी एंटिटी के ऑपरेशंस, जहां पे आपकी एंटिटी की अकाउंटिंग, इनफैक्ट आपकी एंटिटी की डिसीजन मेकिंग भी किसकी हेल्प से होती है? जहां पे आपकी एंटिटी की पोर्ड मतलब आपकी एंटिटी की प्रोसेसेस, आपकी एंटिटी के ऑपरेशंस, आपकी एंटिटी की अकाउंटिंग, इनफैक्ट आपकी एंटिटी की डिसीजन मेकिंग भी आपके कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से होती है, कंप्यूटर सिस्टम्स की हेल्प से होती है। तो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का मतलब हुआ एक ऐसी इन्वायरमेंट जहां पे, मेरे साथ बोलो, जहां पे आपकी एंटिटी का पोर्ड, अगर इस सब्जेक्ट को याद करना है तो बोलना सीखो कि ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट रेफर्स टू एन इन्वायरमेंट। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहां पे आपकी एंटिटी का पोर्ड, क्या कीवर्ड आया, आपकी एंटिटी का पोर्ड मतलब आपकी एंटिटी की प्रोसेसेस, आपकी एंटिटी के ऑपरेशंस, आपकी एंटिटी की अकाउंटिंग, इनफैक्ट आपकी एंटिटी की डिसीजन मेकिंग भी कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से होती है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज आईटी, या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से होती है। ऐसी इन्वायरमेंट को कहते हैं ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा दूसरा मैम, थोड़ा सा आप एग्जाम्पल देके बताओ कि कौन से सॉफ्टवेयर्स हमारी एंटिटी यूज करती है जब हम कहेंगे कि वो एंटिटी एक ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में काम कर रही है। जैसे आपकी एंटिटी अपनी अकाउंटिंग के लिए टैली का यूज करती है, या फिर सैप लगाया हुआ है उसने, ओरेकल लगाया हुआ है, मतलब आपकी एंटिटी ने क्या लगाए हुए हैं, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इनके नाम आपको याद करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ एक आधे सॉफ्टवेयर का नाम यूज कर लो, याद कर लो, और यू विल बी डन विद द चैप्टर। क्योंकि इस चैप्टर में बीइंग एन ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस एरिया पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट क्या होती है। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट एक ऐसी इन्वायरमेंट को कहते हैं जहां पे एंटिटी अपने पोर्ड के लिए मतलब अपनी प्रोसेसेस, अपने ऑपरेशंस, अपनी अकाउंटिंग एंड इवन अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करती है। ऐसे इन्वायरमेंट को कहते हैं हम ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट, अगर ये ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट है तो इस इन्वायरमेंट में आपकी जो ह्यूमन इंटरवेंशन होगी, ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब जो भी लोगों की इंटरवेंशन होगी, मतलब जो आपके पीपल हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, उनका यूज कम हो जाएगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है आपके ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का, आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को यूज करने का, कि आईटी की वजह से रिस्क अराइज होता है। आईटी की वजह से एक रिस्क अराइज होता है जिसको आप क्या कहते हो आईटी का रिस्क, और हमारे ऑडिटर को इसी रिस्क के ऊपर कंफर्ट लेना होता है। ओके, इसके साथ साथ जो भी एंटिटी ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज करती है, ज्यादा एप्लीकेशन यूज करती है, ज्यादा ऑटोमेशन होती है जिस एंटिटी में, उस एंटिटी में हमेशा उसका इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, उस एंटिटी में ट्रांजेक्शंस कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, जहां पे ट्रांजेक्शन थोड़ी सी अनयूजुअल हो जाएंगी, वहां पे अल्टीमेटली आपका रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ आपका ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। अगर डेफिनेशन पूछी जाती कि ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट क्या है, आपको सिर्फ पोड याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का मतलब हुआ जहां पे एंटिटी अपने पोड के लिए किसका यूज करती है, वेरी गुड, कंप्यूटर सिस्टम का यूज करती है, आईटी का यूज करती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करती है। सेकंड क्वेश्चन जाएंगे, कंसेप्ट पे भी जाएंगे, लेकिन एक-एक करके चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, मीनिंग एंड नेचर। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, मीनिंग एंड नेचर। अब मेरे को एक बात बताओ, एक ऐसा बिजनेस जो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में काम करता है, उसके फीचर्स क्या होंगे, मतलब फीचर्स क्या हैं ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के फीचर क्या है। मीनिंग के बाद आपका अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। इसको याद, पता है आप कैसे करोगे,
इसको याद करने के लिए आप याद कर लो अपनी सिक्स्थ सेवेंथ क्लास। वो कैसे मैम? आप सिर्फ इतना याद रखो कि कंप्यूटर को यूज करने के, मैं रट्टा नहीं मरवाती, मैं लिंकिंग करा देती हूँ, मैं चीजों को ऐसे कनेक्ट करा देती हूँ ताकि आपको चीजें इजी हो जाए। मैं निमोनिक्स बनवाना भी प्रेफर नहीं करती क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है। क्या पहले आप पूरे कंसेप्ट को याद रखो, फिर आप निमोनिक्स को याद रखो, फिर आप ये याद रखो कि निमोनिक्स के अंदर क्या था, ठीक है? सो इंस्टेड व्हाट आई ट्राई टू डू कि मैं लिंकिंग कराने की कोशिश करती हूँ सिचुएशन से ताकि आपको चीजें याद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम इस क्वेश्चन को कैसे सीखेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के? तो आप इसको याद करोगे जो भी आपने सिक्स्थ या सेवन्थ या फिफ्थ क्लास में जब भी आपने कंप्यूटर सीखना शुरू किया होगा, आजकल तो फर्स्ट क्लास से हो जाता है, जब भी आपने ये सीखा होगा कि कंप्यूटर को यूज करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, वही फीचर्स हैं आपके ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के। कौन कौन से मैम? आप मुझे बताओ कि जब अगर आप कंप्यूटर को यूज करते हो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो पहला बेनिफिट होता है कि जो आपके ऑपरेशंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फास्ट। तो एक ऐसी एंटिटी जो ऑटोमेशन यूज करती है, जो एप्लीकेशंस यूज करती है, जो कंप्यूटर सिस्टम यूज करती है अपने काम के लिए, उसके ऑपरेशन क्या हो जाएंगे, फास्ट। दूसरा बेनिफिट, अगर ऑपरेशन फास्ट हो जाएंगे तो जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या हैंडल कर पाते हैं, आपकी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है? उसके साथ साथ जहां पे आप कंप्यूटर्स का यूज करते हो और ह्यूमन को प्रोसेस से हटा देते हो, वहां पे क्या हो जाता है, ह्यूमन एरर होने के चांसेस या तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं या डिमिनिश या कम हो जाते हैं, ठीक है? तो कौन कौन से बेनिफिट आए पहले दिन? एक तो आपके ऑपरेशंस फास्ट हो जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने से। दूसरा, जो आपकी एंटिटी है वो एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को हैंडल कर पाती है, ह्यूमन एरर कम हो जाती है। उसके साथ साथ जहां पे आप कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हो वहां पे आपको एक बेटर सिक्योरिटी मिलती है। उसका रीजन ये है, आप कंप्यूटर पे पासवर्ड लगा सकते हो, अपनी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर सकते हो, आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि किसको कितने सॉफ्टवेयर की कितने कि किसको कितने सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की इजाजत है, यू नो। सो इससे क्या होगा कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ आप अपने कंप्यूटर के यूज के साथ डाटा सेंटर, मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हैंडल कर सकते हो, एक डाटा सेंटर क्रिएट कर सकते हो, सर्वर्स बना सकते हो अपनी एंटिटी में, एंड नेटवर्किंग, आपका आपकी नेटवर्किंग को आपके कंप्यूटर सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो ये कुछ आपके बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं जब आप क्या यूज करते हो, कंप्यूटर सिस्टम्स यूज करते हो अपने प्रोसेसेस के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए, अपने अकाउंटिंग के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको वो डेफिनेशन फिर से याद हो जाए। तो अगर हम इस चीज को यहां पे आके देखें कि क्या होती है आपकी ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, मीनिंग क्या है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का? जैसे मैंने बताया, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का मतलब एक ऐसी बिजनेस इन्वायरमेंट जहां पे आपके पोड, मतलब आपके प्रोसेसेस, आपके ऑपरेशंस, आपकी अकाउंटिंग, इवन आपके डिसीजन मेकिंग के लिए किसका यूज होता है, कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज होता है, जिनको आप इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हो, ऐसी इन्वायरमेंट को कहते हैं आपकी ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन या तो होती ही नहीं है या तो ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हो जाती है, ठीक है? लेकिन जहां पे आप ऑटोमेशन को बढ़ा देते हो, जहां पे आप सिस्टम्स को ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हो अपनी बिजनेस प्रोसेसेस में, ऑपरेशंस में, उस एंटिटी में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, वहां पे ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से उस एंटिटी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, राइट? अब आता है आपका फीचर्स क्या है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब आपको क्वेश्चन आ सकता है मीनिंग क्या है और फीचर्स क्या है, ठीक है? मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर आपको इस क्वेश्चन को याद करना है कि फीचर्स क्या होते हैं ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के, तो आप अपनी सिक्स या सेवन्थ क्लास को याद करो और आप ये याद करो कि बेनिफिट क्या थे कंप्यूटर को यूज करने के। तो पहला बेनिफिट क्या बनता है उस चीज से कि अगर आप कंप्यूटर को यूज करते हो तो आपके जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फास्ट। तो आपकी आईटी आपके बिजनेस ऑपरेशन को क्या करती है, फास्ट करती है। दूसरा बेनिफिट, एक्यूरेसी। जब आप कंप्यूटर को यूज करते हो अपनी अकाउंटिंग करने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो कि कंप्यूटर को आप इंटरनल कंट्रोल
जो आप ऐसे 315 में मैनेजमेंट को लगाने होते हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन में भी आपकी आईटी हेल्प करती है। जब इस चैप्टर में हम आगे चले जाएंगे तब हम सीखेंगे कि कैसे। तो जब आप अपनी ट्रांजैक्शंस को, जब आप अपनी अकाउंटिंग को, अपनी जर्नल एंट्रीज को एक अकाउंटेंट मतलब एक मैनुअल बंदे को ना बोलकर जब आप अपने सिस्टम्स को कहते हो कि एंट्री डालो, उस केस में एक्यूरेसी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए अगर मैं एक इंसान को बिठाऊं, ठीक है, और उसको बोल लूं कि जितनी भी, मैं बैंकिंग सिस्टम की बात कर रही हूं, बैंकिंग सिस्टम की, कि जितनी भी बैंकिंग सिस्टम में जो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, ऑल्दो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्योंकि हर एक दिन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं, बट फिर भी मान लो कि बहुत ही एफिशिएंट बंदा है, अगर मैं उसको बोल लूं कि तू इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर, और वही काम अगर मैं कंप्यूटर को करने को बोल लूं कि कंप्यूटर तू इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर, तो एक्यूरेसी कहां पे ज्यादा होगी? तो एक्यूरेसी हमेशा आपके कंप्यूटर सिस्टम की ज्यादा होगी। रीजन भी, कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? मशीन है। कंप्यूटर गलतियां नहीं करता अनलेस अगर आपने इनपुट गलत नहीं दिया है। तो अगर इनपुट गलत है तो ही आउटपुट गलत होगी, अगर इनपुट सही है तो एक्यूरेसी हमेशा अच्छी होगी। तो अगर आप अपनी अकाउंटिंग के लिए, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हो, ऑटोमेटेड अपनी सारी की सारी जो प्रोसेसेस है उनकी ऑटोमेशन करते हो, तो आपके बिजनेस ऑपरेशन एक तो फास्ट हो जाते हैं, दूसरा वेरी गुड क्या हो जाते हैं, एक्यूरेट हो जाते हैं। आगे अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को यूज करोगे तो आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर पाते हो, आप एक टाइम पे बहुत सारी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर पाते हो। उसके साथ साथ आपके जो डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशन है उन बिजनेस ऑपरेशन के साथ इंटीग्रेशन हो जाती है। अगर आपने ईआरपी का नाम सुना हो, विच इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इसमें क्या होता है, इस ये जो आपका सिस्टम होता है, जो ये इस सिस्टम में आपके एंटिटी के डिफरेंट ऑपरेशन, मतलब परचेज का ऑपरेशन, सेल्स का ऑपरेशन, आपके कैश का ऑपरेशन, ये सब में क्या हो जाती है, एक इंटीग्रेशन हो जाती है। ठीक है, सो आपका कंप्यूटर आपकी इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस बिजनेस ऑपरेशन में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम आपको बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कंप्यूटर्स को यूज करोगे तो ह्यूमन एरर होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप अप टू डेट रहोगे, आपके कंप्यूटर सिस्टम आपकी एंटिटी को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क कैपेबिलिटी। तो ये आपके फीचर्स हैं ऑटोमेटिक एनवायरमेंट के। ठीक है, अब इसको आप यहां पे लिखो मेरे साथ, ऑल्दो ये रेगुलर क्लास नहीं है, रेगुलर क्लास में हम थोड़ा सा और, थोड़ा नहीं इनफैक्ट इससे तो बहुत ज्यादा देर तक इस चीज को डिस्कस करते हैं और आराम से चार्ट बनाते हैं, बट फिर भी मैं एक थोड़ा सा हल्का सा चार्ट बना देती हूँ और आप भी मेरे साथ इस चार्ट को बनाओ। अगर आपके पास ऑलरेडी आपके टीचर ने ऐसी कोई चार्ट की नोटबुक दी हुई है या आपकी कोई नोटबुक बनवाई हुई है तो आप वहां से रेफर कर सकते हो और आप मेरे साथ साथ रफ नोटबुक में चार्ट बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई हार्म नहीं है, एक नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ और मेरे साथ चार्ट बनाना शुरू करो। इनफैक्ट जितनी भी रिविजन की क्लासेस आएंगी आप उन सारी रिविजन की क्लासेस के साथ ये कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पास हाथ में एक नोटबुक होगी जिसको आप लास्ट डे पे यूज कर पाओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, मीनिंग क्या है और नेचर क्या है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो हमने अभी दो क्वेश्चन सीखे, कौन कौन से, सबसे पहले क्या सीखा, मीनिंग क्या है और दूसरा है क्या है। अगर सिर्फ अभी भी बैठ के सुन रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो तो मेरे साथ साथ बोल सकते हो कि अगर आपको, कई लोगों को बहुत आलस आता है लिखने में, आलस आना नहीं चाहिए क्योंकि अगर ऑडिट को पास करना है, इस सब्जेक्ट को पास करना है, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि आप देखो कोई चीज छोड़ नहीं सकते हो, आप 100-200 पेजेस में यू कैन नॉट रिवाइज द ऑडिट, राइट, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे अगले टाइम तक। सिर्फ रिवीजन ही बेस्ट वे है, अंडरस्टैंडिंग ही बेस्ट वे है टू क्लियर द सब्जेक्ट। तो अगर नहीं लिखना है, बहुत आलस आ रहा है, तो प्लीज मेरे साथ बोलो क्या मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट है कि जब आप अपनी पोड के लिए, जब आप अपनी पोड के लिए, मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं, जब आप अपनी पोड के लिए, जब अपनी पोड के लिए मतलब जब आप अपनी प्रोसेसेस के लिए, मैं बहुत गंदा लिख रही हूं क्योंकि नहीं तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आप समझो और मेरे साथ लिखने की कोशिश करो और मेरे साथ बोलने की कोशिश करो ऐसे ही, कि जब हम अपनी पोड के लिए मतलब अपनी प्रोसेसेस के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए, अपनी अकाउंटिंग के लिए, इनफैक्ट अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए भी, जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब जब हम अपने कंप्यूटर
सिस्टम का यूज करते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट को कहते हैं ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। आगे हमने क्या सीखा कि इसके नेचर नहीं है, सॉरी ये है फीचर्स, कि क्या आपके फीचर्स हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, फटाफट कंप्यूटर की एडवांटेजेस मुझे बता दो कि कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं। तो आपने बोला सबसे पहले तो मैम अगर जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो हमारे ऑपरेशंस फास्ट हो जाते हैं, तो आपकी ऑटोमेशन की वजह से आपके आपके ऑपरेशन क्या हो जाते हैं, फास्ट। दूसरा मैम हमारी जो ह्यूमन एरर है वो कम हो जाती है, उसके साथ साथ हमारा कंप्यूटर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को भी हैंडल कर पाता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को भी हैंडल कर पाता है। हम न्यू इंफॉर्मेशन मतलब मार्केट में जो जो भी चेंजेस होते हैं उसके साथ क्या रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं। डाटा सेंटर एंड कनेक्टिविटी भी एक बेनिफिट है जो हमें कंप्यूटर को यूज करने से मिलता है, उसके साथ साथ कंप्यूटर को यूज करने से हमें बेटर सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि हम एप्लीकेशंस पे कंट्रोल्स लगा सकते हैं, हम इंक्रिप्शंस लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। तो दिस आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ योर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। आई होप कि आपको अभी आपका पहला क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्लियर है और आपको याद भी हो गया होगा जितनी बार मैंने रिविजन में भी रिविजन कराई है, ठीक है। ऑल दो जो हमारा जो लर्नर्स बैच होता है जो एग्जाम से आपको 2 महीने पहले आपको रेफर करना चाहिए, उसमें तो हम और इसको इंटेंस में रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। मैं बोलती हूँ आप लिखते हो, मैं लिखती हूँ आप लिखते हो, ठीक है, मैं लिखती हूँ आप लिखते हो, तो उससे क्या होता है कि आपको चीजें याद हो जाती हैं जब आप एक, क्योंकि आप खुद से उस चीज की प्रैक्टिस करने बैठते हो तो आपको एक बार में ही आलस आना लग जाता है। ओके, टाइम नहीं वेस्ट करके आगे चलेंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन आपका जो इस चैप्टर से बनता है, अगर हो गया है याद और अभी तक लाइक के बटन को आपने नहीं किया है हिट, तो आप करो लाइक के बटन को हिट। मुझे चाहिए जितने जितने भी बच्चे आए और अगर ये क्लास देखे, ठीक है, जितने भी बच्चों में क्लास जाए, एक तो इस क्लास की रीच होनी चाहिए और आप उस बटन को हिट करके जाओ। ओके, सेकंड जो आपका क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से वो बनता है आईटी की रेलिवेंस क्या है बिजनेस के लिए, आईटी की रेलिवेंस क्या है टू अ बिजनेस, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है आईटी की रेलिवेंस क्या है एक बिजनेस के लिए। तो सर इस बिजनेस के लिए भी मैंने क्या, इस क्वेश्चन के लिए भी आपका एक निमोनिक बनाया है, रिक्सा, क्या बनाया है, रिक्सा। मैं फिर से कह रही हूं निमोनिक को आई डोंट प्रमोट, सिर्फ ये क्लास एक्सेप्शन है, या फिर आने वाली किसी क्लासेस में एक आधा कोई टॉपिक हो सकता है जहां पे मैं बनवाऊंगी। इसमें भी सिर्फ 2 या 3 जगह ही मैंने इनकॉर्पोरेट करे हैं जहां पे मेरे से बनाए गए और जहां पे मुझे लगा कि आपके लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आईटी जहां पे आ जाती है ना वहां पे सीए स्टूडेंट के होश उड़ जाते हैं, जहां तक मैं समझ पाई हूं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ बेनिफिट क्या है आईटी के टू अ बिजनेस। तो मैंने बोला आपके आईटी के बेनिफिट हैं रिक्शा, क्या है, रिक्शा, इट्स नॉट रिक्शा, इट्स रिक्शा, ओके वेट, रिक्शा। तो आप कैसे करोगे, रिक्शा कैसे है मैम, ये हैं आपके बेनिफिट्स, यहीं पे सिखा देती हूं आपको, साथ साथ में आप बना सकते हो। बेनिफिट्स क्या हैं ऑफ आईटी टू रिक्शा, सॉरी आईटी टू अ बिजनेस, क्वेश्चन क्या है, बेनिफिट्स क्या है आईटी के टू अ बिजनेस। मेरे साथ साथ लिखो, रफ नोटबुक में लिखना है लिखो, एक एक वर्ड लिखना है लिखो, लेकिन सिर्फ बैठो नहीं, ऐसे बुझ बन के मत बैठो, ऐसे मूर्ति बन के मत सुनो मुझे, मेरे साथ साथ लिखोगे, रफ नोटबुक में भी लिखोगे तो ही याद होगा। बेनिफिट क्या है आईटी के टू अ बिजनेस, तो आपके बेनिफिट हैं रिक्सा, क्या है, रिक्सा, ओके, रिक मतलब किस किस चीज में हेल्प करती है आईटी। तो सबसे पहले हेल्प करती, जब भी आप आईटी सिस्टम को यूज करते हो अपनी प्रोसेसेस के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए, अकाउंटिंग सिस्टम्स के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, मतलब किसके लिए आप यूज कर रहे हो उसको, पोर्ड के लिए, जब भी आप यूज करते हो आईटी को अपने बिजनेस में, तो ये किस चीज में हेल्प करती है। देखो आपकी आईटी को यूज करने से आपकी एंटिटी की जितनी भी सारी की सारी कैलकुलेशंस होती हैं, कंप्यूटेशंस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो सारी की सारी ऑटोमेटिक हो जाती है। अग्री करते हो इस बात से, अग्री करते हो, यस मैम बिल्कुल अग्री करते हैं। अभी इंट्रोडक्शन में इतना जो टाइम लगाया वो इंट्रोडक्शन में टाइम ही इस चीज को समझने में लगाया ताकि ये क्वेश्चन ईजी हो जाए कि जब कोई बिजनेस आईटी को यूज करेगा किसके लिए, अपने पोर्ड के लिए, तो उसकी सारी की सारी कैलकुलेशंस, सारी की सारी कंप्यूटेशंस क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक हो जाएंगी। अब मुझे बताओ ऑटोमेटिक हो जाएंगी, इससे क्या होगा मैम, एक एग्जांपल दो, एक एग्जांपल दो।
तो सर इसका एग्जाम्पल क्या है कि जब भी आपके बैंक में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, आपके बैंक में क्या कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट. सब कुछ आईटी की हेल्प से होता है. उसको सिर्फ एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मिली होती है कि अगर ये सेविंग बैंक है तो इतना इंटरेस्ट चार्ज करना है, अगर एफडी है तो इतना इंटरेस्ट चार्ज करना है, अगर करंट अकाउंट है तो इतना इंटरेस्ट, अगर सीसी है तो इतना इंटरेस्ट, ईटीसी ईटीसी. बैंक ने अपने सॉफ्टवेयर में सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे के रखी होती है. उसी तरीके से जब आपका बिजनेस कंप्यूटर सिस्टम को यूज करता है, अपनी अपनी एप्लीकेशंस को यूज करता है, सॉफ्टवेयर को यूज करता है अपनी पोड के लिए, तो जो उसकी कंप्यूटेशंस होती हैं, उसकी कैलकुलेशंस होती हैं, सारी की सारी ऑटोमेट हो जाती है. सब कुछ कंप्यूटर सिस्टम करता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगी, ह्यूमन एरर कम हो जाएंगी, मतलब गलतियां कम होंगी. ठीक है, तो क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हुआ जैसे बैंक में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता, तो पहला बेनिफिट क्या हुआ, पहली रेलिवेंस क्या है आईटी की, आईटी की टू अ बिजनेस. मैं यहां पे बात कर रही हूं आईटी की रेलिवेंस टू अ बिजनेस, ऑडिट की बात नहीं हो रही. ठीक है, दूसरा दूसरा बेनिफिट होता है इंटरनल कंट्रोल. आई मतलब क्या, आई मतलब इंटरनल कंट्रोल. आई मतलब क्या, इंटरनल कंट्रोल. मैम इंटरनल कंट्रोल में आईटी का क्या कनेक्शन है? तो सर इंटरनल कंट्रोल होते क्या हैं? इंटरनल कंट्रोल होते हैं आपकी एंटिटी की लगाई हुई पॉलिसीज, आपकी एंटिटी के बनाए हुए प्रोसीजर्स, जिनको आपकी एंटिटी चाहती है कि उनके लोग यूज करें, ताकि एंटिटी का जो अल्टीमेटिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए, ताकि एंटिटी के जो एसेट्स हैं वो सेफगार्ड हो सके, ताकि एंटिटी कोई भी गलती ना करे, ताकि एंटिटी में कोई फ्रॉड ना हो. ठीक है, यही डेफिनेशन आप पढ़ते हो एसे 315 में इंटरनल कंट्रोल की. यही बात है, यस मैम यही बात है. आईटी आपकी एंटिटी को हेल्प करती है, आपकी बिजनेस को हेल्प करती है किस चीज में, बेटर इंप्लीमेंटेशन. किस चीज में? बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. मैम एक एग्जांपल देके बताओ कि इंटरनल कंट्रोल की इंप्लीमेंटेशन में आईटी कैसे हेल्प करती है. मान लो आपकी मैनेजमेंट ने अपने सॉफ्टवेयर में, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो यूज करती है, उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्रेडिट लिमिट फिक्स की हुई है. क्रेडिट लिमिट मतलब कि किस किस बायर को कितना क्रेडिट पीरियड मिलना चाहिए. तो जैसे ही अगर आपका अकाउंटेंट किसी एक पर्टिकुलर बायर को, या कोई स्टैंडर्ड क्रेडिट लिमिट फिक्स की हुई है कि हम इतना ही क्रेडिट लिमिट देते हैं, इससे ज्यादा हम क्रेडिट लिमिट नहीं देते, और अगर आपका अकाउंटेंट ज्यादा क्रेडिट लिमिट देने की कोशिश करेगा, तो आपका सिस्टम एरर दिखा देगा, आपका सिस्टम एरर शो कर देगा. तो आपकी आईटी हेल्प करती है कि जो भी मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी इंटरनल कंट्रोल्स हैं, उनकी बेटर इंप्लीमेंटेशन हो सके, बेटर बेटर तरीके से उसकी इंप्लीमेंटेशन हो सके, और कोई भी इंप्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उन इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड करने की कोशिश ना करे. ठीक है, दो बेनिफिट आपको समझ में आए कौन कौन से. सबसे पहले रिक्सा का आपने सी समझा कि आपकी कैलकुलेशंस, आपकी कंप्यूटेशन सारी की क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है. फिर हमने आई समझा, आई मतलब जो भी आपके इंटरनल कंट्रोल्स हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन में ये आपकी हेल्प करती है. उसके साथ साथ जो आपकी आईटी है वो आपकी ऑटोमेटिक जर्नल एंट्रीज पोस्ट करती है. ऑटोमेटिक मैम कैसे? आपके ऑटोमेटिक लेजर्स बन जाते हैं अगर आपने टैली यूज किया हो. अगर आपने टैली यूज नहीं भी किया है, आप इंटर्नशिप जब करोगे तो टैली एक ऐसी चीज है जो अल्टीमेटली आप सीखोगे ही सीखोगे, चाहे आप मिड साइज फर्म में जाओ, चाहे आप लो साइज मतलब स्मॉल साइज फर्म में जाओ, या आप बिग फोर में, खैर टैली नहीं यूज होता, अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं. तो अगर आपने टैली यूज नहीं किया तो भी आप यूज करोगे. टैली में क्या होता है कि टैली में जब आप जर्नल एंट्री डालते हो, अल्टीमेटली उसका इफेक्ट लेजर्स में भी चला जाता है. मतलब जर्नल एंट्री से ऑटोमेटिकली आपके लेजर्स बन जाते हैं, फिर आपके ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस बन जाते हैं, उसका रिफ्लेक्ट आपकी बैलेंस शीट में भी शो होने लग जाता है. तो इससे क्या हो रहा है, आपके जो आपके अकाउंट्स हैं वो ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो रहे हैं. तो आईटी आपके अकाउंट्स की ऑटोमेटिक प्रिपरेशन में भी हेल्प करती है. उसके साथ साथ आईटी हेल्प करती है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. मैम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में कैसे हेल्प करती है? जब आप आईटी लगाते हो, जब आप कंप्यूटर सिस्टम्स लगाते हो, मान लो कि आपकी एंटिटी में सैप लगा हुआ है, आपकी एंटिटी में सैप लगा है, और उसमें आप जब जब आप
अथॉरिटी देते हो कि कौन सा बंदा उस ऐप को एक्सेस कर सकता है, तो उस अथॉरिटी को आप सिर्फ उतनी ही देते हो जितनी जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब अगर आप अकाउंटेंट हो, आपकी उस एंटिटी के आप अकाउंट के हेड हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है और आईटी में आपकी जो अथॉरिटी है वो भी डिफाइंड होती है। तो इससे क्या होता है कि बेटर चेक रहता है एंड देयर इज अ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। उसके साथ साथ आ रहता है आपकी रिपोर्टिंग के लिए। मैंने सोचा था बहुत प्यार से अच्छे अच्छे नोट्स बनाऊंगी, बट फिर भी इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के आराम आराम से नोट्स बनाऊं, बिकॉज सिंस इट इज अ रिविजन क्लास, ऑल्दो इट इज अ डिटेल्ड रिविजन क्लास, बट मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से प्यार से नोट बनाओ, ठीक है। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का क्या हुआ कि जब आप आईटी यूज करते हो, सिस्टम्स यूज करते हो, ठीक है, किसके लिए? यस, वेरी गुड, अपने पोर्ट के लिए। तो आप बार बार क्या कर पाते हो, आप बार बार क्या कर पाते हो, उन सिस्टम से रिपोर्ट निकाल पाते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिससे रिपोर्ट निकलती है, इनफैक्ट सारे ही सिस्टम से रिपोर्ट निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, डेटर्स की एजिंग की रिपोर्ट, राइट, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आप ये सारी रिपोर्ट्स निकाल पाते हो, जो उस उन रिपोर्ट्स को आपकी मैनेजमेंट भी यूज कर पाती है, मतलब आपके जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं वो भी यूज कर पाते हैं, और जो आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं वो भी यूज कर पाते हैं। तो आप मुझे बता दो कि फटाफट रेलिवेंस क्या है आईटी की टू एन ऑडिट। तो मैंने अभी आपको आपको क्या बताया, रिक्सा। तो हम आर पहले ढूंढेंगे इसमें कहां पे, ये रहा आर। आर मतलब जो भी रिपोर्ट यूज होती है बिजनेस में, उन बिजनेस के रिपोर्ट्स को आप सिस्टम से निकाल पाते हो, तो ये एक ही बेनिफिट है। दूसरा फिर क्या हुआ, आई। आई मतलब इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब ये वाला पॉइंट, मतलब कि जो आपकी आईटी होती है वो बिजनेस की पॉलिसीज, उसके प्रोसीजर्स, उसके इंटरनल कंट्रोल की इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करती है। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि जैसे कि अगर आपने सिस्टम में इंस्ट्रक्शन देके रखी हुई कि कस्टमर की क्रेडिट लिमिट कैसी होनी चाहिए। उसके बाद सी मतलब आपकी जो भी कंप्यूटेशंस होती हैं, वो कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारी की सारी ऑटोमेटिक हो जाती है। फॉर एग्जांपल, बैंक में इंटरेस्ट का कैलकुलेट होना, उससे आपकी एरर कम होती है, टाइम आपका सेव होता है। एस का मतलब इट हेल्प्स इन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। किस चीज में हेल्प करता है ये? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में हेल्प करता है, क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे को सिर्फ उतनी ही अथॉरिटी देते हो, उतना ही सिस्टम का एक्सेस देते हो जितनी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके साथ साथ ऑटोमेटिक एंट्रीज आपकी पोस्ट होती हैं, आपके अकाउंट्स ऑटोमेटिक बनते हैं। तो आपकी आईटी की रेलिवेंस क्या है आपके बिजनेस के लिए? तो आपकी रेलिवेंस है रिक्सा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आईटी क्यों इंपॉर्टेंट है ऑडिट के लिए? अब देखो, आईटी क्यों इंपॉर्टेंट है ऑडिट के लिए? बीइंग एन ऑडिटर, बीइंग एन ऑडिटर, यहां से आपका काम शुरू होता है। बींग अ स्टूडेंट तो आपके लिए सारा का सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन बींग एन ऑडिटर आपका काम यहां से शुरू होता है कि आईटी क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे ऑडिट के लिए। तो सर, अगर आप अपनी प्रोसेसेस के लिए, मैं फिर से बोलूंगी, अपने पोर्ट के लिए, मतलब अपनी प्रोसेसेस, अपने ऑपरेशंस, अपनी अकाउंटिंग और इवन अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए भी अगर आप अपनी आईटी का यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस आईटी के यूज करने के साथ साथ एक रिस्क भी अराइज हो जाता है, एक रिस्क अराइज हो जाता है, और उस रिस्क को कहते हो आईटी रिस्क। और अगर जहां पे रिस्क होगा तो वहां पे मेरा ऑडिटर आएगा, मेरा ऑडिटर आएगा उस रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए, यह देखने के लिए कि उस रिस्क की वजह से मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती है या नहीं, ठीक है। और उसका इफेक्ट वो ढूंढेगा अल्टीमेटली रिपोर्ट पे क्या पड़ रहा है, और यही काम है आपके ऑडिटर का, यही काम है ऑडिटर का कि आईटी की वजह से जो रिस्क अराइज होते हैं उन रिस्क को ढूंढना, और उन उस रिस्क का इफेक्ट उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या आता है उसको इवेल्युएट करना, और ये देखना कि एंटिटी ने इन रिस्क को कम करने के लिए कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं, राइट। तो ये तीन पॉइंट आप रीड कर लेना, रीड कर लेना, याद करने की कोई भी नीड नहीं है। जो बातें मैंने अभी आपको समझाई कि आईटी ऑडिट के रेलिवेंस क्या है आईटी में, ऑडिटर क्यों आईटी की नॉलेज को ढूंढता है, क्यों आईटी की नॉलेज एक्वायर करता है, इन्हीं वजहों से, क्योंकि अगर आईटी यूज होती है तो आईटी की वजह से एक रिस्क भी अराइज होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है आपका, ये क्वेश्चन आता है आपका, जो आप करोगे मेरे साथ याद, कौन सा, कि कौन कौन से सिचुएशंस हैं जहां पे आईटी रेलिवेंट है ऑडिट के लिए, ठीक है, कि क्यों मुझे इसको, आप क्वेश्चन को
एक तो ना ये एग्जाम में किसी भी वे से आ सकता है, आप पहले क्वेश्चन को समझा करो कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से सिचुएशन में आईटी रेलिवेंट होगी ऑडिट के लिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बोलो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कौन से सिचुएशन में आईटी रेलिवेंट होगी ऑडिट के लिए। तो ये वो सिचुएशंस हैं, ये वो कारण हैं, ये वो कारण हैं जिनकी वजह से आज आईटी इंपॉर्टेंट है। मैम कौन कौन से कारण हैं, बाद में इसकी ग्रुपिंग कराएंगे, बाद में इसकी ग्रुपिंग कराएंगे। सबसे पहले आप मेरे साथ एक एक कारण को समझो। कौन कौन से मैम, देखो कौन कौन सी ऐसे सिचुएशंस हैं, कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से आईटी रेलिवेंट है। रेलिवेंट है, मेरी राइटिंग को इग्नोर करना इन क्लासेस में, इसका सीधा सा रीजन है क्योंकि रिवीजन क्लासेस है, ये बहुत लंबा खींच जाता है और मैं जब पढ़ाने लगती हूँ ना, मेरे को खुद को मुझे खुद को नहीं पता लगता है कि मैं कितने हद तक अंदर घुस चुकी हूँ। तो रिवीजन क्लास है, उसका पर्पस यही कि आपको रिवाइज करवाना। ऑब्वियसली आप लर्न करके जाओगे, चीजों को समझ के भी जाओगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ के जाओगे जो आप लेकर आए हो ना इस क्लास में। वन सेकेंड, ओके जितनी अंडरस्टैंडिंग आप इस क्लास में लेकर आए हो ना इस चैप्टर की, आई कैन गिव यू 100% रिटन अश्योरेंस, उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आप लेके जाओगे। चाहे एक वर्ड एक्स्ट्रा सीख के जाओ, लेकिन आप सीख के जाओगे, भले ही ये रिवीजन क्लास है। ओके अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सिचुएशंस, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो जिन सिचुएशन की वजह से आईटी रेलिवेंट हो जाती है ऑडिट के लिए, जिन सिचुएशन की वजह से ऑडिटर को आईटी आनी ही आनी चाहिए, जिन चीजों की वजह से। तो सर पहला पॉइंट है क्या, इंक्रीज्ड यूज ऑफ अकाउंट एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स, इंक्रीज यूज ऑफ एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। आपका अब क्या हो गया है, आईटी का यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बिजनेसेस में। कोई भी बिजनेस उठा लो, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री का कोई भी बिजनेस, सर्विस सेक्टर उठा लो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उठा लो, बैंकिंग सेक्टर उठा लो, कोई भी सेक्टर, इनफैक्ट आपकी एक दुकान में बैठा बंदा भी आज टैली यूज करता है अकाउंटिंग को करने के लिए। तो क्योंकि आपकी एप्लीकेशन और आपके सॉफ्टवेयर का यूज इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आपके ऑडिटर को अगर ऑडिट करनी है तो उसको आईटी की नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। तो क्या हुआ, इंक्रीज्ड यूज ऑफ एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से आपके ऑडिटर की जो रेलिवेंस है, आईटी की जो रेलिवेंस है ऑडिट के लिए, वो इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड बेनिफिट, जो आपके बिजनेसेस है ना वो हाईटेक हो चुके हैं। मैम एग्जाम्पल दो, एमेजोन को उठाओ, एमेजोन की आप सप्लाई चेन को देखो, उसके सिस्टम को देखो। बिगनिंग जब आप उसकी एडवर्टीजमेंट देखते हो अपने इंस्टाग्राम पे, वहां पे इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉल कर रहे हो तो रील्स, और सडनली कहीं से आता है इंस्टाग्राम, उस पे एमेजोन पे लगी हुई सेल, ठीक है, ये सब क्या है। आप वहां पे उसके उस लिंक को क्लिक करते हो, आप अमेजोन पे पहुंचते हो, अमेजोन पे जाके आप डिस्काउंट्स देखते हो, आप ऑर्डर बाय करते हो, आपको मैसेज आता है, आपके मेल आता है आपको, आप पेमेंट करते हो, आप पेमेंट अगर आपको कैश में नहीं करनी है तो आप क्रेडिट में करते हो। ये सब क्या है, ये सब आपकी टेक्नोलॉजी है। आपका जो बिजनेस है वो हाई टेक हो चुका है। अगर बिजनेस हाई टेक हो चुका है, इसका मतलब आपका बिजनेस आईटी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है, और अगर आपका बिजनेस ही डिपेंड हो चुका है तो आपका ऑडिटर जब एक ऐसे बिजनेस की ऑडिट करने जाएगा तो क्या उसको आईटी की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ऑडिटर को आईटी की नॉलेज होनी चाहिए। नंबर वन, आपके बिजनेस में एप्लीकेशन ज्यादा यूज होने लगी है। दूसरा, आपका बिजनेस हाई टेक हो चुका है। तीसरा, तीसरा एंटिटी की खुद की भी ऐसी पॉलिसीज होती हैं, जो कंपनी की पॉलिसीज होती है ना, जो कहती है कि मुझे सिस्टम्स यूज करने हैं और आपको आके चेक करनी पड़ेगी उन सिस्टम्स को, राइट। तो उनके कंप्लाइंस के लिए भी मेरा ऑडिटर आईटी आईटी उसको आईटी की उसको नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ साथ कई बार रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होते हैं ऑडिटर के ऊपर, जो कहते हैं कि यू हैव टू चेक ऑल द सिस्टम्स। जैसे कि आपका एक आईटी एक्ट है 2008, वो यहां पे आ जाता है। आप मुझे बताओ, इसका एक पॉइंट हो रहेगा कि जहां पे जहां हाँ एक सॉरी एक पॉइंट ये रहेगा कि जहां पे आपका बिजनेस सॉरी जहां पे आपका बिजनेस, जब हमने इंट्रोडक्शन शुरू करी थी तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बोला था कि अगर आपके बिजनेस में ऑटोमेशन ज्यादा है तो वहां पे क्या बढ़ जाती है,
वहां पे बढ़ जाती है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बढ़ जाती है? कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब आपकी जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन होंगी वो क्या होंगी? लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होंगी, राइट? तो इसको आप कैसे भी याद कर सकते हो कि ऑटोमेशन की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी का पॉइंट आएगा तो आपको याद होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन भी बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को आप पता कैसे समझ सकते हो? बैंकिंग, आप एक दिन में कितनी बार गूगल पे करते हो, आपको याद है? अब तो आप शायद कैश हार्डली यूज करते हो। अभी तो आप अगर सब्जी भी खरीदते हो ना खड़े होके, तो भी आप गूगल पे ऐसे चिक खत्म, ठीक है? आपको ये भी नहीं पता रहता कि आपके अकाउंट में पैसे खत्म कब हो गए। यू यूज गूगल पे दैट मच, ओके? सो इसकी वजह से क्या होता है, ऑडिटर नीड्स टू हैव नॉलेज ऑफ ऑल दिस सिस्टम्स। और अगर मान लो कि आपका ऑडिटर ऑडिट ही जीपे की करता है, फिर आप समझ लो व्हाट आई एम सेइंग, कि बिजनेसेस क्या हो गए? हाईटेक हो गए, ओके? गूगल पे की है, इन द सेंस जी गूगल की, ओके? अच्छा, अगर आपकी आईटी, अगर आपका ऑडिटर, अगर आपका ऑडिटर आईटी की नॉलेज रखेगा और ऑडिट करने जाएगा, तो क्या उसकी ऑडिट इफेक्टिव हो जाएगी? क्या उसकी ऑडिट एफिशिएंट हो जाएगी? मैम कैसे? अरे ऑडिट के भी तो टूल्स बने हुए हैं ना, ऑडिट के भी तो टूल्स हैं। आईटी मतलब जो आईटी बेस्ड ऑडिट के टूल्स हैं, जैसे कि आपकी एक टूल है कार्ट, ठीक है? तो जिसकी वजह से ऑडिट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वो कम टाइम में अपने काम को कर पाता है। तो यही चीजें यहां पे हैं। आप इस क्वेश्चन को याद कैसे करोगे? वैसे तो मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा, बट फिर से एक बार फिर से मैं पढ़ा देती हूँ कि आप याद कैसे करोगे कि आईटी क्यों इंपॉर्टेंट है ऑडिट के लिए। इसकी आप ग्रुपिंग कर लो। ग्रुपिंग मतलब जो सिमिलर सिमिलर पॉइंट है उनको एक साथ जोड़ लो। जैसे कि आईटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बिजनेस में, बिजनेस को करने के लिए जो हमारे सिस्टम्स और एप्लीकेशन है उनका यूज बढ़ चुका है। एक पॉइंट, अगर यूज बढ़ गया है बिजनेसेस में, मतलब मेरे बिजनेसेस क्या हो गए हैं, मेरे बिजनेसेस हाईटेक हो गए हैं। तो आपको यूज बढ़ गया है, इसे क्या याद आना चाहिए? अमेजोन याद आना चाहिए। अमेजोन कि अगर बढ़ गया है यूज, तो मेरे बिजनेसेस हाईटेक हो गए हैं। तो आपका एक और तीन पॉइंट की आप ग्रुपिंग कर लो। दूसरा पॉइंट, अगर हाईटेक हो गए हैं, मतलब कि अगर यूज बढ़ गया, तो आपको क्या याद आना चाहिए? इंट्रोडक्शन, कि अगर यूज बढ़ गया है मतलब ऑटोमेशन ज्यादा हो गई है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होगी ट्रांजेक्शन में। तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो आपको क्या याद आना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हाई है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी की होगी, बैंकिंग कंपनी की ट्रांजेक्शन होगी। तो ये चार पॉइंट ग्रुप हो गए। उसके बाद दो पॉइंट आप कंप्लायंस के ग्रुप कर लो, कि कंपनी की पॉलिसी के साथ कंप्लायंस करने के लिए, या फिर कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ कंप्लाई करने के लिए। जब आप इन दोनों कंप्लायंस वाले पॉइंट को जोड़ लोगे, उसके बाद आपको ये पता लगना चाहिए कि ऑडिट कि अल्टीमेटली जब ऑडिटर अपनी ऑडिट करने के टाइम भी ऑडिट बेस्ड टूल्स का यूज करता है, ऑडिट बेस्ड आईटी टूल्स का यूज करता है, तो उस केस में क्या होता है, उसकी ऑडिट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एंड हेंस वी आर डन विद अनदर क्वेश्चन ऑफ फॉर योर एग्जाम्स। तो अभी तक आपने क्या सीखा, फटाफट मुझे बताओ, मीनिंग क्या है और फीचर क्या है। पहला क्वेश्चन, आईटी की रेलिवेंस क्या है बिजनेस के लिए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, आईटी की रेलिवेंस क्या है ऑडिट के लिए। आई एम श्योर कि अभी तक आपको ये चीजें याद होंगी और आप मेरे साथ होंगे। अब हम एंटर कर रहे हैं आपके प्रोसीजर के पार्ट में। प्रोसीजर मतलब ऑडिट प्रोसीजर के पार्ट में। यहां से ऊपर तक हमने क्या सीखा कि ऑडिट का बेनिफिट बिजनेस के लिए क्या, ऑडिट का बेनिफिट मेरे ऑडिटर के लिए क्या, ऑडिटर को आईटी क्यों आनी चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं प्रोसीजरल पार्ट में, ठीक है? कि ऑडिटर को कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि ऑडिटर एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा, अगर वो एक ऐसी एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा जो आईटी को यूज करती है, तो उसको कौन कौन से पॉइंट सीखने चाहिए, ये चीजें हम यहां पे सीखेंगे। डन। तो ये आपका आता है पहला जो कंसेप्ट बनता है वो है अंडरस्टैंडिंग कैसे लेगा मेरा ऑडिटर ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की। मतलब एक ऐसी एंटिटी के इन्वायरमेंट की जो एंटिटी कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज करती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे लेगा। तो ये तो आप कर लो रीड, सिर्फ रीड, कि ऑडिटर को यहां पे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ऐसे 315 वाली लाइन चिपी है कि जब भी ऑडिटर ऑडिट करता है, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है आईटी को, उसके एनवायरनमेंट को, इंक्लूडिंग उसके इंटरनल कंट्रोल्स को। तो एक ऐसी एंटिटी जो अपने सिस्टम्स में, जो अपने पोर्ड में, जो अपने प्रोसेसेस में, अपने ऑपरेशंस में, अपने अकाउंटिंग में, अपने डिसीजंस में यूज करती है कंप्यूटर सिस्टम्स, यूज करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूज करती है अपनी आईटी
अपनी आईएएस, तो उस केस में उसको उनके जो भी उसके इंटरनल कंट्रोल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उन आईटी की यूज की वजह से कौन कौन से रिस्क अराइज हो सकते हैं उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. आर यू विद मी ऑन दिस? आर यू विद मी ऑन दिस? ओके, इसको सिर्फ आप रीड करके छोड़ो. याद क्या करना है? वो आपको याद करना है ये. क्या याद करना है? वो याद करना है ये. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि जब मेरा ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा एक ऐसी एंटिटी की जो अपनी ऑपरेशंस के लिए, जो आईटी का यूज करती है, एप्लीकेशंस का यूज करती है, सॉफ्टवेयर का यूज करती है, तो वो कौन कौन से पॉइंट को कंसिडर करेगा? तो मैम हम इसको कैसे याद करें? आप इसको याद नहीं करोगे, आप मेरे साथ एक कहानी सीखोगे और उस कहानी को मेरे साथ बोलोगे, और जब आप उस कहानी को बोलोगे तो ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. इनफैक्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप इस कहानी के साथ दो क्वेश्चन याद कर पाओगे. आर यू विद मी ऑन दिस? ओके, पहला क्वेश्चन. मैम पहला क्वेश्चन क्या? देखो क्वेश्चन क्या है कि ऑडिटर जब अंडरस्टैंडिंग लेगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन कौन से पॉइंट उसको कंसिडर करने हैं, जब वो अंडरस्टैंडिंग लेगा एक ऐसी एंटिटी की, एक ऐसे इन्वायरमेंट की जिस एंटिटी ने क्या यूज किया हुआ है. वेरी गुड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. मैं एग्जांपल ले लेती हूं कि मान लो आपका ऑडिटर अमेजोन, इसी का ऑडिटर है, हाईटेक बिजनेस है. ठीक है मैम, अब इसके साथ ना मेरी कहानी के साथ रहना. आपको अमेजोन ने क्या बनाया है? अपना ऑडिटर. क्या बनाया है? अपना ऑडिटर. तो अमेजोन ने आपको बनाया है अपना ऑडिटर. तो अभी आप मेरे पास आए, आप ना बहुत ही ऐसे घबराए हुए हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको सडनली, एक तो आप अभी अभी सीए बने थे, आपको इतनी बड़ी एंटिटी की ऑडिट कैसे मिल गई. यू आर ऑल स्केर्ड, आपको कुछ नहीं पता कि आपको क्या करना है. तो आपने मुझसे पूछा, मैम जब आपने पहला लेक्चर कराया था ना, चैप्टर वन कराया था, उस टाइम पे जब मैंने वो रिविजन लेक्चर देखा है, मुझे इतना तो पता है बीइंग एन ऑडिटर, जब भी मुझे ऑडिट मिलती है सबसे पहले मैं, जब मैं प्लानिंग भी करता हूं क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर सेकंड भी देखा है, तो मुझे सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है. ये तो मेरे को मतलब पता ही पता है कि मुझे सबसे पहले क्या लेनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है. मैंने अंडरस्टैंडिंग लेनी है ये पता है, लेकिन ये अमेजोन जैसी एंटिटी जिसके इतना हाईटेक बिजनेस है, इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं कैसे लूं, ये मैं कैसे लूं? तो मैंने बोला ऐसा करो इधर आओ, जो भी तुम ऐसा करो, तुम जाओ अमेजोन को जाकर देखो. क्या देखो मैम? ये देखो कि वो एंटिटी कौन कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करती है, पहले तो ये देखो. ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लो, ढूंढ के लाओ कि कौन कौन से, वो पूरी पूरी एंटिटी में कौन कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम उसने लगाए हुए हैं. अच्छा, तो उसने क्या किया, उसने फटाफट ना लिखना शुरू किया कि मैम हमें क्या बता रही है, मैम बता रही है कि सबसे पहले तो हमें क्या देखना है. उसने लिखना शुरू किया. अब आर्टिकल असिस्टेंट है, वो भूल जाएगा बेचारा, उसको कुछ याद नहीं रहता है. ठीक है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने लिखना शुरू किया कि सबसे पहले तो मैं देखूंगा नेम ऑफ दी एप्लीकेशंस या जो भी सॉफ्टवेयर इस अमेजोन ने यूज करे होंगे. ठीक है, सबसे पहले क्या देखूंगा कि अमेजोन ने कौन कौन से मेरे को एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर यूज किए हुए हैं. ठीक है, उसने फिर आपका आर्टिकल असिस्टेंट ने फिर पूछा उसके अलावा क्या देखूं. मैंने बोला फिर तुम ये देखना कि आपकी अमेजोन ने, आपकी एंटिटी ने इनको फाइनेंशियल पर्पज के लिए यूज किया है कि नॉन फाइनेंशियल पर्पज के लिए यूज किया है. नॉन फाइनेंशियल पर्पज के लिए यूज किया है. आपने बोला मैम ये कैसी बात हुई, अब उसने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाए हैं तो फाइनेंशियल पर्पज के लिए लगाए होंगे ना. मैंने बोला ऐसे कैसे. अब इंप्लॉई जब सुबह अटेंडेंस लगाते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जब लगाते हैं, अंगूठा छापते हैं वो जाके, जब वो एंटर करते हैं गेट के अंदर, तो वो क्या उसका फाइनेंशियल फंक्शन है? आपने बोला नहीं, पर क्या वहां पे आईटी का यूज है? हाँ. तो बीइंग एन ऑडिटर, जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा, हमने क्या बोला था, ऑडिटर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर के स्कोप में कौन से एस्पेक्ट कवर होते हैं, एंटिटी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट. तो आप पहले क्या देखोगे कि मैंने ये तो देख लिया कि एंटिटी ने कौन कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन से सॉफ्टवेयर लगाए हैं, फिर मैं ये भी देखूंगा कि उनको लगाने की पर्पस फाइनेंशियल पर्पस है कि नॉन फाइनेंशियल पर्पस है.
ठीक है मैम। उसके बाद तुम ये देखना आपकी एंटिटी इन सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर क्या है मैम। आर्किटेक्चर मतलब तुम ये देखना कि क्या आपकी एंटिटी के जो सॉफ्टवेयर हैं वो डेस्कटॉप, डेस्क की स्पेलिंग क्या होती है, डेस्कटॉप बेस्ड है या वेब बेस्ड है, या वेब बेस्ड है, या फिर ये सॉफ्टवेयर आपके क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड है मतलब आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेते हो, बहुत सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेते हो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, आपके डेस्कटॉप बेस्ड होते हैं। मतलब आप उनको डाउनलोड करते हो एंड दे गेट इंस्टॉल्ड ओवर ओवर योर डेस्कटॉप, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वेब बेस्ड होते हैं, मतलब कि आप उनको सिर्फ ऑनलाइन ही उनको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल www. किसी भी वेबसाइट पे जाओगे आप उनको वहां पे यूज कर पाओगे। जैसे कोई फोटो को एडिट करने वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यू कैन यूज इट ऑनलाइन एज वेल एज यू कैन डाउनलोड इट ऑन योर डेस्कटॉप एंड यू कैन यूज इट। क्लाउड बेस्ड होते हैं जो सब कुछ ऊपर है हवा में, जैसे कि आपकी जी ड्राइव पे स्पेस, ठीक है। तो आप क्या समझोगे कि सबसे पहले कि कौन कौन से उसने एप्लीकेशन यूज करे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करे हैं, उनको यूज करने की पर्पस फाइनेंशियल पर्पस है कि नॉन फाइनेंशियल पर्पस है, उसके बाद देखना उनका आर्किटेक्चर कैसा है। जब ये समझ लोगे, ये पूछना अपने क्लाइंट से पूछना कि कहाँ गया है? अपने क्लाइंट से पूछना, क्या पूछूंगा मैम, कि आपकी जो क्लाइंट है इसने ये सॉफ्टवेयर कस्टमाइज्ड लिए हैं, कस्टमाइज्ड बनवाए हैं या फिर पैकेज्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब देखो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो एंटिटी अपनी नीड के हिसाब से बनवाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सैप, अब सैप बैंकिंग में भी होता है, सैप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी होता है, लेकिन अगर आप उसी सैप को जाकर आप एक बैंक में देखोगे और उसी सैप को जाकर आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखोगे तो आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। और उसका रीजन ये है कि ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, आपकी एंटिटी की नीड के हिसाब से दिस सॉफ्टवेयर आर बींग मेड। वेयर एज कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टैली सबके लिए एक जैसा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आप ये पूछोगे कि जो सॉफ्टवेयर हैं ये आपकी एंटिटी के पैकेज सॉफ्टवेयर हैं कि आपके कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर हैं। उसके साथ साथ भाई उनसे ये भी पूछ लेना इनका वर्जन कौन सा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट में चल रहा है 2.0 और तुम जा रहे हो पुराने वर्जन में। जैसे कि विंडोज 10 भी होती है, 11 भी होती है और 9 भी होती है, तो इनका वर्जन कौन सा है, ठीक है। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने क्लाइंट से ऑब्टेन करनी है। इसके साथ साथ ये पूछ लेना इनकी लोकेशन क्या है। लोकेशन मतलब मैम डोमेस्टिक लोकेशन है कि इंटरनेशनल लोकेशन है। इनकी आपस में इंटीग्रेशन कैसी है, इंटीग्रेशन है इन सिस्टम्स के आपस में या नहीं। मैम थोड़ा सा आप एग्जांपल बता दोगे इंटीग्रेशन मतलब कैसे। इंटीग्रेशन मतलब कि मान लो आपने जब अपने क्लाइंट से जाके पूछा कि आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो उसने बोला देखो भाई हम तो अमेजोन है, हम तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम तो सैप यूज करते हैं। तो मतलब आप सैप किसके लिए यूज करते हो, तो उसने बोला यार सैप तो हम अपनी अकाउंटिंग सिस्टम्स को, अपनी जो अकाउंटिंग मेरी एंट्रीज होती हैं उनके लिए यूज करते हैं, मतलब मोस्टली अकाउंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो मैंने बोला इसके अलावा क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो अमेजोन ने बोला कि इसके साथ साथ यार मेरा एक और सॉफ्टवेयर है पेरोल बडी। क्या पेरोल बड़ी, सिर्फ नाम, अब ये मत ढूंढने लग जाना कि पेरोल बड़ी है कि पेरोल बड़ी नहीं है, सिर्फ नाम यूज कर रही हूं। दूसरा सॉफ्टवेयर उसने नाम दिया कि पेरोल बड़ी यूज करते हैं। पेरोल बड़ी को यूज करने का पर्पस एंटिटी का ये है कि जो भी वो सैलरी डिस्पैच करते हैं या उसके ऊपर TDS काटते हैं या PF की जो पेमेंट होती है, बोनस देते हैं, जो भी मतलब जो भी पेरोल डिपार्टमेंट का फंक्शन है वो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो करते हैं। तो आप मुझे बताओ इन दोनों सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन होगी कि नहीं होगी। इंटीग्रेशन होगी क्योंकि आपकी पेरोल की भी तो एंट्रीज जाती होंगी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो आप ये भी पूछना कि आपस में आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं आपस में कैसे बातचीत करते हैं, आपस में इनकी इंटीग्रेशन कैसी है, ठीक है। तो आपने बोला अच्छा तो मुझे ये सारी की सारी चीजें पूछनी है अमेजोन से जाके। मैंने बोला यस। जब आप ये पूछ लोगे जिस फॉर्मेट में आपने इस पेपर पे इसे नोट किया है ना अभी, उसी को आप डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना लेना, उसी को आप डॉक्यूमेंट कर लेना। आर यू विद मी ऑन दिस। अगर आप आके इसको यहां से सीखो कि कौन कौन से पॉइंट मेरा ऑडिटर कंसिडर करेगा जब वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा एक ऐसी एंटिटी की जो एक ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में काम करती है, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेगा इन
नाइन्थ नो, अच्छा मेरे 2 पॉइंट रहेंगे, कोई नहीं मैं यहाँ पे कवर कर दूंगी इन 9 पॉइंट्स की, ठीक है। स्टोरी याद है आपके दिमाग में, आप क्या हो, आप अमेजोन के ऑडिटर हो, क्या हो, आप अमेजोन के ऑडिटर हो। तो सबसे पहले आप जाके क्या पूछोगे, आप उनसे पूछोगे बताओ अमेजोन कौन कौन से आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो। क्या पूछा, कौन कौन से आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हो। अमेजोन ने फटाफट बोला कि मैं एक सैप यूज करता हूँ और एक मैं अपना पेरोल बडी यूज करता हूँ, ठीक है। आपको पहले पहले सवाल का जवाब मिल गया कि आपका अमेजोन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है। दूसरा आपने उनसे पूछा क्या पर्पस है इनकी, यूज करने की पर्पस बताओ, फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है। उसने बोला कि मेरी यूज करने की पर्पस फाइनेंशियल है, ठीक है। तीसरा सवाल आपने पूछा भाई लोकेशन क्या है इनकी, कहाँ पे है ये, लोकल है कि ग्लोबल है, लोकल है कि ग्लोबल है। ये भी बताओ इसका आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर क्या है, मतलब क्या ये डेस्कटॉप बेस्ड है, ये क्लाइंट सर्वर बेस्ड है, या फिर वेब के ऊपर बेस्ड है, या क्लाउड पे कहीं पे है। उसके साथ साथ मुझे इसका वर्जन भी बताओ, और इंटरफेसेस मतलब आपस में सिस्टम की इंटीग्रेशन क्या है, और क्या ये सॉफ्टवेयर इन हाउस सॉफ्टवेयर है, मतलब खुद बनवाए हैं आपने, कस्टमाइज्ड हैं कि मार्केट से सिर्फ उठाए हैं, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि टेली। फिर आपने क्या कोई एक्टिविटीज, जो भी मैंने आपसे ऊपर ऊपर बातें पूछी, इनमें से कोई एक्टिविटी आउटसोर्स तो नहीं करके रखी आपने किसी को, मतलब कई बार क्या होता है, कई बार क्या है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम एंटिटी अपने आईटी के फंक्शन को आउटसोर्स करती है, ठीक है। तो उसका मेंटेनेंस के फंक्शन को उसको आउटसोर्स कर देते हैं कि जब भी उसमें कोई न्यू अमेंडमेंट आएगी, अमेंडमेंट इन द सेंस न्यू वर्जन आएगा, या कोई और चेंजेस करने होंगे, तो वो उसको एक इंडिपेंडेंट एंटिटी को उसको आउटसोर्स कर देती है। उसके साथ साथ आप ये भी पूछोगे कि सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, मतलब कि कौन है आपका CIO, कौन है आपका चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कौन है आपका CISO, कौन है आपका चीफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर, ठीक है। मतलब आपको जो आपके आईटी को मैनेज करते हैं वो की मैनेजरियल पर्सनल कौन है, ये इंफॉर्मेशन आपको लेनी है जब आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे। और जब आप ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लोगे तो प्लीज ऐसा करना, ऐसे 230 के हिसाब से इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर देना, डॉक्यूमेंटेशन कर देना। यहां पे आप वही डायग्राम बना सकते हो। दोबारा बनवाऊं क्या मैं, मैम ये चैप्टर ऐसे तो खत्म होगा ही नहीं, तो आप आगे चलो, आपने ऑलरेडी बहुत बता दिया है, आई एम श्योर कि आपको याद हो गया होगा। अगर ये रेगुलर क्लास होती तो मैं फिर बैठ के आराम से बनवाती, यहाँ पे प्यार से हम चार्ट बनाते, फिर समझते, ठीक है। लर्नर्स बैच होता तो भी हम बार बार समझते, बट सिंस इट इज डिटेल्ड रिविजन क्लास, सी इफ योर आपके एग्जाम में टाइम है, एंड इफ यू फील दैट कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अभी अप टू द मार्क नहीं है, यू नीड रिविजन, देन यू कैन रेफर दिस वीडियोज, ऑफकोर्स यू कैन रेफर दिस वीडियोज, बट यू कैन ऑल्सो रेफर आवर्स लर्नर्स बैच, लर्नर्स बैच अमेजिंग बैच इट इज, अमेजिंग बैच इट इज, ओके। एंड इट इज गोइंग टू बी अवेलेबल, इफ आई एम नॉट श्योर, 999, वाई एम सेइंग आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर कि बाय द टाइम यू विल बाय इट और यू विल सी इट वट विल बी द प्राइज, बट इट इट इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइज, रीजन बींग दैट सिंस All these courses are going to get expensive over a period of time, but since you can say it, you can take it as the inaugural bonus. This is how it is, how you say it, right? So, क्योंकि classes की starting है, opening है, right? Opening in the sense कि like on the web opening है, web application based. So that is why these courses are available on such a huge discount. Trust me. ओके okay, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आई एम तो कंफर्टेबल विद दिस रिवीजन आल्सो मैम, आई एम तो सुपर्ब, आई एम तो गेटिंग सुपर्ब बेनिफिट, तो यू आर गेटिंग सुपर्ब बेनिफिट, तो आप क्यों लगाओगे पैसे, तो मत लगाओ, ओके। बट लर्नर्स बैच में आपको मजा बहुत आता है। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आप यहाँ पे, हाँ ये सब कुछ आपको नोट्स वगैरह सब कुछ लर्नर्स बैच में मिलते हैं, ये स्पेस वाली बुक भी आपको मिलती है, पीडीएफ की फॉर्म में भी मिलती है, प्रिंटेड फॉर्म में भी मिलती है, समरी के चार्ट्स पे मिलते हैं। अब समरी के चार्ट्स कैसे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जब आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे चैनल पे मैराथन आएगी एक तो, और आपकी क्विक समरी रिवीजन की क्लासेस आएंगी, वहां पे हम उन चार्ट्स को यूज करेंगे, ठीक है। वहां पे मैं इतनी बकवास नहीं करती हूँ बीच बीच में, वहां पे हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। आपको ये क्लियर हो गया, जो भी, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट पता कैसा होगा, डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट एग्जैक्टली वही होगा जो अभी अभी मैंने यहाँ पे बनवाया, ये याद है आपको, ऐसे यही टेबल। अब आपका जो इंस्टीट्यूट है ना, देखो इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, इस इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है,
आपको समझ में नहीं आएगा कि इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को ऐसे 315 से पूछा है, 230 से पूछा है, कहाँ से पूछा है। क्योंकि अगर आपके इंस्टीट्यूट ने ये पूछ लिया कि आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे करोगे, आपका इंस्टीट्यूट एक केस सिनेरियो दे सकता है कि एक ऐसी ऐसी एंटिटी है, ऐसे इन्वायरमेंट में काम करती है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नाम लिख देगा ये वो ऐसे वैसे, और आपको बोलेगा कि डॉक्यूमेंटेशन कर दो इसकी। तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी आती है, आपको वो टेबल बनानी नहीं आती है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब आप भले ही ये पॉइंट लिख कर भी आओगे तो भी आपको कंप्लीट नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडिट में नंबर इसी वजह से नहीं आते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन को समझते नहीं हो कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है। और कई बार तो खुद को ही नहीं समझ में आता तुम्हें कि ये कौन से ऐसे से क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन को समझने के ऊपर टाइम लगाना। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड अगला क्वेश्चन आपका, इसको भी आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मैम ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसको हम इंपॉर्टेंट ना मार्क करो? नहीं, इस चैप्टर में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली एंटिटी की, उसके एनवायरनमेंट की, अब ये बताओ कि कौन कौन से रिस्क ऑडिटर को कंसिडर करने पड़ेंगे जब वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। ठीक है, तो इस रिस्क को मतलब ऑडिटर के ध्यान में क्या क्या बातें होनी चाहिए कि जब मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा हूँ एंटिटी की, इसके सिस्टम्स की, एप्लीकेशन की, अंडरस्टैंडिंग में आपके वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। अभी इसका वर्जन कौन सा है, कहाँ पे यूज़ करता है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इसके की एमपीज कौन है, ये सब कुछ चीज़ें। तो उस टाइम पे मैं कौन कौन से रिस्क को कंसिडर करूंगा, तो रिस्क के लिए आप एक निमोनिक यूज कर लेना। कौन सा आप करोगे? क्लैप्स, ओके, या फिर आप बोल सकते हो सी लैप्स। ठीक है, क्या बोलोगे? सी लैप्स, कंप्यूटर लैप्स, कंप्यूटर लैप्स, कंप्यूटर लैप्स, कंप्यूटर लैप्स होगा तो रिस्क अराइज होंगे, कंप्यूटर लैप्स होगा तो रिस्क अराइज होंगे। क्या बोलोगे? कंप्यूटर लैप्स होगा तो रिस्क अराइज होंगे। अब मेरे साथ आओ कि ये सी लैप्स क्या चीज है, यहां पे लिखो कि कौन कौन से रिस्क अराइज हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं मैम? सी लैप्स, ठीक है, सी के 3 पॉइंट है। ओके, सी मतलब चेंज, सी मतलब क्या? चेंज। और चेंज के आपके 3 पॉइंट, किस चेंज होने से रिस्क अराइज हो सकता है, चेंज ना होने से भी रिस्क अराइज हो सकता है, अनऑथराइज्ड चेंज होने से भी रिस्क अराइज हो सकता है। 3 पॉइंट आए, कौन सा 3 पॉइंट कौन से आए? पहला पॉइंट, डायरेक्ट चेंजेस इन द सिस्टम, डायरेक्ट चेंजेस इन द सिस्टम। कई बार आपने देखा है कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हो, आपने 2 दिन सॉफ्टवेयर नहीं चलाया, फिर सडनली आप आए और अगर आपका ऑटो अपडेट लगा हुआ है तो सडनली वो सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, उसका आउटलुक, उसका आउटलुक, उसका इंटरफेस सब चेंज हो गया। ठीक है, तो एक रिस्क होता है कि जब आपके सिस्टम में डायरेक्ट चेंजेस हो जाते हैं, मतलब बैकएंड पे चेंजेस हो जाते हैं, हमेशा रिस्क रहता है। पहला रिस्क। दूसरा, अनऑथराइज्ड चेंज, अनऑथराइज्ड चेंज। अगर आपके सिस्टम को कोई ऐसा बंदा चेंज कर दे जिसके पास पावर नहीं है चेंज करने की, जिसके पास एक्सेस नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद दी आईटी। मतलब आईटी जो भी बंदे यूज करते हैं, कोई भी बंदा जिसके पास थोड़ी सी भी आईटी की नॉलेज है बट उसके पास वो पावर नहीं है कि वो चेंज कर सके, अगर उसने सिस्टम को अमेंड कर दिया तो फिर एक आईटी का रिस्क अराइज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी अराइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो सिचुएशन मानो कि जहां पे आपने कस्टमर की लिमिट फिक्स करी हुई है, लिमिट कस्टमर की लिमिट चेक डाला हुआ है, अगर किसी बंदे को अमेंड करना आता है वो सॉफ्टवेयर, या किसी ने सिस्टम में लूप होल ढूंढ लिया है, तो अगर उसने क्रेडिट लिमिट को चेंज कर दिया तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी बंदा वो उसकी क्रेडिट लिमिट चेंज हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आपका रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा रिस्क होता है, तीसरा रिस्क होता है आपका फेलियर टू चेंज, फेलियर टू चेंज। मतलब सिस्टम में चेंज होना चाहिए, अब चेंज की नीड है लेकिन अब चेंज हो नहीं रहा है सिस्टम में, अपडेशन होनी चाहिए पर अपडेशन हो नहीं पा रही है, ये रिस्क होता है आईटी के साथ। ठीक है, तो सी का मतलब चेंज, चेंज के 3 पॉइंट, चेंज डायरेक्टली बैकएंड पे चेंज हो गया, या किसी ने अनऑथराइज्ड चेंज कर दिया, या फेलियर टू चेंज। फिर आता है एल, एल मतलब जब भी आईटी आती है तो आईटी के साथ एक रिस्क आता है लॉस ऑफ डाटा का, तो एल मतलब लॉस ऑफ डाटा। तो सी लैप्स, सी से 3 चेंजेस, एल से लॉस ऑफ डाटा, ए मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम, ए मतलब अथोराइज्ड, ठीक है,
और क्योंकि रिस्क की बात करें तो ऑथराइज्ड एक्सेस की तो बात होगी नहीं, नेगेटिव बात होगी, तो क्या रिस्क है आपका? अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम, एक ये रिस्क हो गया, ठीक है। उसके बाद आया पी, पी मतलब प्रोसेसिंग। मैम प्रोसेसिंग का क्या रिस्क हुआ? मैंने कब बोला कि प्रोसेसिंग का रिस्क है? मैं तो कह रही हूँ बच्चा इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग का रिस्क है। वेट, मैं तो कह रही हूँ बच्चा कि इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग का, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग का रिस्क है, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग का रिस्क है, ठीक है, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा का रिस्क है। उसके बाद मैम, उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। मैम ये तो ऊपर एडवांटेजेस में नहीं था। हाँ एडवांटेजेस में तब था जब सही बंदे के पास सही पावर है, लेकिन एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आपका हेड, मान लो अकाउंटेंट हेड, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं है पर अथॉरिटी उसको मिल जाए, तो उससे क्या होगा? उसका एक रिस्क राइज हो जाता है। उसके बाद आता है ई, ई मतलब एक्सेसिव अथॉरिटी, ई मतलब एक्सेसिव अथॉरिटी। तो ये कुछ रिस्क हैं जो आपके आईटी के साथ आते हैं, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में। तुम क्या लिखोगे? लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, क्योंकि नेगेटिव पे मैं बात कर रही हूँ। तो ये सी लैप्स यहाँ पे, यही सी लैप्स यहाँ पे कवर्ड है। आई होप कि आप खुद से कर लोगे इसे, क्योंकि निमोनिक दिया है और ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, मुझे लगता है कि क्लास लंबी बहुत हो रही है, ठीक है। हाँ अगला टॉपिक आता है, अब ऑडिटर ने क्या कर लिया, अब ऑडिटर ने क्या कर लिया, ऑडिटर कर क्या रहा है, उस फ्लो में रहा करो तो मेरे साथ जब भी क्लास में हो, कि ऑडिटर रिस्क, ऑडिटर अब ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म करेगा जब वो रिस्क की असेसमेंट करेगा। तो ऑडिटर ने क्या कर लिया, ऑडिटर ने अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन कर ली, किसकी? एंटिटी की, उसके एनवायरमेंट की, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी। फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर ली, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या किया ऑडिटर ने, ये देख लिया कि उसको कौन कौन से रिस्क को कंसिडर करना है जब वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा है। उसके बाद मैम अगर हम ये मान ले कि उसको रिस्क मिल गए हैं, तो उनका इफेक्ट उसके ऑडिट प्रोसीजर पे क्या आएगा? देखो अगर ऑडिटर को रिस्क मिल गए हैं और वो रिस्क मिटिगेट नहीं हुए, मतलब एंटिटी के पास उतने इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है कि उन रिस्क को मिटिगेट किया जा सके, तो उसका इफेक्ट उसके कंट्रोल्स, मतलब उसके जो टीओसी की चेकिंग है उसके ऊपर भी आएगा, और उसके टीओडी मतलब उसके सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर की चेकिंग पे भी आएगा और उसकी रिपोर्टिंग पे भी आएगा। क्या इफेक्ट आएगा? सबसे पहले आपका ऑडिटर, अगर उसको पता लग गया है कि जो आपके इंटरनल कंट्रोल्स है वो अच्छे नहीं है या आपके रिस्क है आपके एंटिटी में, तो उस केस में जो भी आपका डाटा आपके कंप्यूटर सिस्टम प्रोड्यूस करेंगे, जो भी रिपोर्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम प्रोड्यूस करेंगे, उनके ऊपर आपका ऑडिटर रिलाई नहीं करेगा। दूसरा, आपका ऑडिटर सब्सटेंसिव चेकिंग करेगा, मतलब एक्सेसिव चेकिंग करेगा, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो भी रिपोर्ट, जो भी डाटा आपके सिस्टम से आ रहा है वो डाटा कंप्लीट है और वो डाटा एक्यूरेट है। उसके साथ साथ ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर हमेशा ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा ऑडिट एविडेंसेज चाहिए होंगे। और यही बातें आपके कंट्रोल्स पे भी एप्लीकेबल होंगी, कि आपका ऑडिटर भरोसा नहीं कर पाएगा एंटिटी के कंट्रोल्स के ऊपर अगर उसको रिस्क मिले हैं तो। और अल्टीमेटली वो अपनी रिपोर्टिंग के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आ सकता है वो ये देखेगा, वो मैनेजमेंट को भी बताएगा, और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट उसकी जो ऑडिट ओपिनियन है, उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है, उसके ऊपर क्या आएगा वो भी इवेल्युएट करेगा। डन डन ओके। अब मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बात करता है टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। अब देखो एंटिटी भी तो ये बात समझती है ना कि आईटी अगर मैंने लगाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस एमसीक्यू में यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है पर एमसीक्यू में भी बनते हैं। क्या अगर आपकी एंटिटी ये समझती है कि उसने इंटरनल कंट्रोल्स, सॉरी अगर आपकी एंटिटी ये समझती है कि उसने आईटी का यूज किया है, उसने एप्लीकेशन का यूज किया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज किया है अपनी पोर्ट के लिए, तो आपकी एंटिटी को भी पता है कि रिस्क होंगे आईटी की वजह से, तो अब आपकी एंटिटी हाथ पे हाथ धर के तो बैठेगी नहीं। तो आपकी एंटिटी क्या करती है, आपकी एंटिटी कंट्रोल्स लगाती है। आपकी एंटिटी तीन टाइप के कंट्रोल्स लगाती है, कौन कौन से? एक होते हैं आपके जर्नल आईटी कंट्रोल्स, दूसरे होते हैं आपके आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स, तीसरे होते हैं आपके एप्लीकेशन कंट्रोल्स। तीन टाइप के कंट्रोल्स होते हैं, कौन कौन से? नंबर वन जर्नल आईटी कंट्रोल। जर्नल मतलब जो एंटिटी की लेवल पे लगते हैं, किस लेवल पे लगते हैं? एंटिटी की लेवल पे ये कंट्रोल्स लगते हैं। किस लेवल पे लगते हैं बच्चा? ये लगते हैं आपके जर्नल आईटी कंट्रोल्स, लगते हैं आपकी एंटिटी की लेवल पे, ठीक है। ये आपके एक से ज्यादा एप्लीकेशन को इफेक्ट करते हैं,
किसको इफेक्ट करते हैं, एक से ज्यादा एप्लीकेशंस को, एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर को। ये आपकी एप्लीकेशन जो कंट्रोल्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू योर एप्लीकेशन कंट्रोल्स। उसके साथ साथ ये मेन फ्रेम पे भी लगते हैं, मिनी फ्रेम पे भी लगते हैं और एंड यूजर एनवायरनमेंट पे भी लगते हैं। मतलब ये आपके सर्वर्स पे भी लगते हैं, मतलब जहाँ पे आपका एंटिटी का सारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, जो आपके बिग कंप्यूटर्स होते हैं, जहाँ पे एंटिटी के सर्वर्स होते हैं, जहाँ पे एंटिटी का सारा डाटा पड़ा होता है, तो वहाँ पे भी लगते हैं, मिनी फ्रेम पे भी लगते हैं और एंड यूजर एनवायरनमेंट पे भी लगते हैं। ठीक है, तो जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या हैं? जनरल आईटी कंट्रोल्स आपकी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं। इसका एक एग्जाम्पल मान लो, आपकी एंटिटी ने आईटी के लिए कौन सी पॉलिसीज बनाई हुई हैं, कौन सी प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, ये आपके कंट्रोल्स हैं, जनरल आईटी कंट्रोल्स। ठीक है, तो जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या हैं? ये एंटिटी की पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो बहुत सारी एप्लीकेशन से रिलेट करते हैं। पहला पॉइंट क्या आते हैं यहाँ से निकल के, कि एक एंटिटी लेवल पे लगते हैं। दूसरा, दे रिलेट टू मैनी एप्लीकेशन और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स को। उसके बाद फिर आते हैं, ये मेन फ्रेम पे भी लगते हैं, मिनी फ्रेम पे भी लगते हैं और एंड यूजर एनवायरमेंट पे भी लगते हैं। कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं इसमें? तो सबसे पहले आता है डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, फिर आता है जब भी आपके प्रोग्राम में डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस को हमें यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये चीज़ याद भी होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, मतलब जो भी जहाँ पे भी एंटिटी का सार, आपने कभी गूगल, बिना आप कभी जाके यूट्यूब पे लिखना कि डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस ऑफ गूगल इनकॉर्पोरेशन, उनके ना रूम्स बने हुए हैं, रूम समझ, तो बिल्डिंग है उनकी जहां पे उनका डाटा स्टोर होता है लिटरली। तो ये क्या कह रहा है कि आपके जनरल आईटी कंट्रोल्स में आता है डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। पहला, प्रोग्राम में चेंज कैसे होगा, प्रोग्राम को चेंज करने के लिए ऑथराइजेशन कैसे, किसकी ऑथराइजेशन लगेगी, ठीक है, एक्सेस किस किस को, कितनी एक्सेस है सिस्टम्स की, एंड एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ये कंट्रोल लगते हैं कि जब भी आपकी एंटिटी कोई भी सिस्टम को एक्वायर करेगी या उसको डेवलप करेगी या उसको मेंटेन करेगी, तो उस टाइम पे भी अथोराइजेशंस लगती है, वहाँ पे भी आपकी एंटिटी इंटरनल कंट्रोल्स लगाती है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि इंस्टीट्यूट ने ये सारे के सारे पॉइंट का आगे एक्सप्लेनेशन दी है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी एंटिटी को परफॉर्म करनी पड़ती है जब एंटिटी आप इन एरिया के ऊपर कंट्रोल्स लगा रही है। मैंने क्या किया है कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ इसको इंक्लूड किया है। अगर आपको लगता है कि आपको वो सारी चीज़ें भी सीखनी है, देखनी है, तो आप इंस्टीट्यूट की बुक को रेफर कर सकते हो, पर क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी इतना ज़्यादा कुछ है इस चैप्टर में आपके लिए याद करने को, तो बेटर है कि आप इसके साथ ही कन्फाइंड रहो। ओके, इधर आओ मेरे पास, आप मेरे पास तो आ ही नहीं पाओगे ना, कैसे आ पाओगे, तो अभी आप बुक के पास ही रहो। डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है इन कंट्रोल्स को लगाने का? ऑब्जेक्टिव है ये इंश्योर करना कि जो भी एंटिटी के प्रोडक्शन सिस्टम है, मतलब एंटिटी की प्रोसेसेस हैं, एंटिटी की क्या प्रोसेसेस हैं, वो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को मीट करें। मतलब मैम, मतलब अगर एंटिटी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, वही जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बताते हैं। आपकी एंटिटी कंट्रोल्स इसलिए लगाती है इन शॉर्ट कि जो डाटा आपके सिस्टम प्रोसेस करें वो ठीक डाटा हो, वो गलत ना हो, उसमें कोई भी इनकरेक्ट प्रोसेसिंग ना हो, ताकि आपकी एंटिटी की जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो सके। ओके, तो सबसे पहले कहता है कि सबसे पहले इसके अंदर पहली एक्टिविटी आती है कि जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस होंगे सारे के सारे यहाँ पे कवर होंगे। ठीक है, तो जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस होंगे सारे के सारे वहाँ पे कवर होंगे। उसके बाद बैच जॉब्स, कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, शेड्यूलिंग और एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। बैकअप यहाँ पे आएगा, अगला पॉइंट है बैकअप का। तो बैकअप में आप चेक करते हो कि बैकअप की मॉनिटरिंग कैसे होगी, स्टोरेज कहाँ पे होगी और डाटा की रिटेंशन कहाँ पे होगी। उसके साथ परफॉर्मेंस आप मॉनिटर करते हो किसके, अपने ऑपरेशन सिस्टम की, डाटा बेस की और अपने नेटवर्क्स की। एंटिटी में अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, लैन वैन ये सब कुछ। ठीक है, अगर मान लो एक ऐसे सिचुएशन इमेजिन करो कि एंटिटी के सारे इंटरनल कंट्रोल्स फेल हो जाए, तो आपका बैकअप प्लान क्या है, रिकवरी क्या है? तो वहां पे आप बीसीपी डीआरपी लगाते हो, ये होते बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान्स। ठीक है, कभी बैंक ऑडिट करी होगी तो आपने जरूर इस वर्ड को सुना होगा, बीसीपी। उसके बाद एंटिटी के हेल्प डेस्क फंक्शंस, राइट, सर्विस लेवल अरेंजमेंट, मतलब अगर एंटिटी ने कोई एग्रीमेंट करके रखा है किसी के साथ, तो उस एग्रीमेंट के ऊपर कंट्रोल्स भी आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हो। एंड डॉक्यूमेंटेशन, किसकी, एंटिटी के ऑपरेशन मैनुअल्स की, उसकी सर्विस रिपोर्ट्स की। ठीक है, अब मेरी बात सुनो,
ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको बार 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 अलग अलग एग्जाम्पल दे के आपको याद कराऊँ। आप ना इस सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, 4 बार 4 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। कर लोगे ना, कर लोगे ना, प्लीज़ कर लेना। इट इज़ लाइक हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई किडनीज, नॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई एम आस्किंग यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई किडनीज। यू नो हार्ट ऊपर होता है, किडनीज के नीचे, मतलब हार्ट के नीचे किडनी होती है। तो मैं और इन डेप्थ जाके आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एप्लीकेशन सेकेंड टाइप के कंट्रोल्स होते हैं आपके। एप्लीकेशन कंट्रोल्स अभी मैंने बताया जो आपके सॉफ्टवेयर के लेवल पे लगते हैं, जो आपके एप्लीकेशन के लेवल पे लगते हैं। मतलब मैम कैसे, देखो आपकी एंटिटी, आपने कहीं देखा होगा कि जब भी आप कोई वेबसाइट पे कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करते हो तो वहां पे एस्ट्रिक लगा होता है। तो ये कंट्रोल ही तो है कि जब तक आप उस मैंडेटरी फील्ड को नहीं भरोगे आप आगे नहीं जा सकते। तो ऐसी बहुत सारी लिमिट्स पे लगाती है आपकी एंटिटी एप्लीकेशन की लेवल पे कि आपको वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी ही करनी है। जिससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप परचेज का कोई डाटा फिल कर रहे हो तो वहां पे मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं कि इनवॉइस डालना है, इसकी डेट डालनी है, ये डालना है, वो डालना है। तो जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं फिल करोगे तो वो एंट्री वो आपको डालनी नहीं देगा, वो एरर शो करेगा। तो इस टाइप के कंट्रोल्स जो आपके एप्लीकेशन के लेवल पे लगते हैं, सॉफ्टवेयर के लेवल पे लगते हैं, उसको कहते हैं आप एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ठीक है। ये आपके ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, मैनुअल कंट्रोल्स भी होते हैं, और ये ऑपरेट करते हैं बिजनेस प्रोसेस लेवल पे। बोला ना अभी किस लेवल पे, प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस लेवल पे। तो आपके ऑटोमेटेड कंट्रोल भी हो सकते हैं, दे कैन बी योर मैनुअल कंट्रोल। पहला कीवर्ड क्या आया कि आपके ऑटोमेटेड कंट्रोल भी हो सकते हैं, मैनुअल कंट्रोल भी हो सकते हैं, और बिजनेस प्रोसेस लेवल पे ये ऑपरेट करते हैं। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ईआरपी की एप्लीकेशंस के अंदर ये इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। ERP इज जस्ट एन एग्जाम्पल, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे उसके अंदर ये इनकॉर्पोरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यूजर लिमिट चेक लगाई हुई है या स्ट्रिक्ट मैंडेटरी फील्ड्स लगाए हुए हैं, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द एप्लीकेशन कंट्रोल्स, राइट। हम ये करते क्यों हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ताकि हम अपने डाटा की CIA को मेंटेन कर सके, मतलब कंप्लीटनेस, इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा को मेंटेन कर सके। तो ये होते हैं आपके एप्लीकेशन कंट्रोल्स, दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जैसे एडिट चेक्स लगाना, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डाटा, कि मतलब आप डाटा डालोगे उसमें, लेकिन अगर उसको लगता है वो डाटा वैलिड नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे आपको नंबर डालना है और आप वहाँ पे नेम डाल दो तो वो एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज़ को, ठीक है। सीक्वेंस नंबर चेक कि 1 2 3 ऐसे, उसके बाद यूजर लिमिट चेक एंड रीजनेबल चेक। तो ये सारे चेक्स होते हैं अलग अलग टाइप के, इन एक एक का मतलब है जो अभी हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे। सिंपल सा रीज़न ये है कि टाइम बहुत कॉन्स्टेंट है और ये क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। तो आई एम श्योर कि आपके टीचर ने आपको ये बताया ही होगा कि ये अलग अलग टाइप के चेक्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो अभी आपके 2 कंट्रोल्स होंगे, मुझे एक बार फिर से बता दो कि कौन से आपके 2 कंट्रोल्स होंगे। मैम 2 कंट्रोल्स हुए हमारे, कौन कौन से? एक तो हमने देखा कि जर्नल IT कंट्रोल्स, ठीक है, जर्नल IT कंट्रोल्स। मुझे बता दोगे कि जर्नल IT कंट्रोल्स के कीवर्ड क्या हैं? मैम सबसे पहले तो कीवर्ड यही, अरे यार ग्रीन के ऊपर ग्रीन कौन यूज करता है? सबसे पहला कीवर्ड तो यही है कि ये कंट्रोल्स एंटिटी की लेवल पे लगते हैं, वेरी गुड। दूसरा कीवर्ड क्या है? मैम ये जो कंट्रोल्स है ना, ये रिलेट टू मैनी एप्लीकेशंस, ये किसी एक सिंगल एप्लीकेशन से रिलेट नहीं करते, ये किससे रिलेट करते हैं? मैनी एप्लीकेशन, वेरी गुड। तो एंटिटी लेवल पे लगते हैं, मैनी एप्लीकेशन से रिलेट करते हैं। और मैम ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको? जो भी हमारे एप्लीकेशन के कंट्रोल्स होते हैं, एप्लीकेशन के कंट्रोल्स होते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ओके। और बता दो क्या है? मैम ये हमारे मेन फ्रेम पे भी लगते हैं, हमारे मिनी फ्रेम पे भी लगते हैं, और एंड यूजर इन्वायरमेंट पे भी लगते हैं, एंड यूजर इन्वायरमेंट पे भी लगते हैं। एक एग्जाम्पल दे पाओगे इसका? यस मैम, क्या? जैसे एंटिटी की आईटी से रिलेटेड, आईटी रिलेटेड पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, आईटी रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आर यू विद मी ऑन दिस? आर यू विद मी ऑन दिस? ओके, सिर्फ इतना ही लिख दोगे जितना इस डायग्राम में है, मोर देन सफिशियंट। उसके बाद देन कम सेकेंड टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स विच आर एप्लीकेशन कंट्रोल्स फिर
आते हैं आपके एप्लीकेशन कंट्रोल्स. एप्लीकेशन कंट्रोल्स पहला कीवर्ड क्या है इसमें कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स आपके मैनुअल भी हो सकते हैं, दे कैन बी ऑटोमेटेड एज वेल, राइट. दे कैन बी मैनुअल, दे कैन बी ऑटोमेटेड. ऑपरेट करते हैं किस लेवल पे, दे ऑपरेट एट बिजनेस प्रोसेस लेवल. इतने अमेजिंग बच्चे हो चुके हो तुम. दे ऑपरेट एट बिजनेस प्रोसेस लेवल. उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि वाई, क्यों करते हैं हम एप्लीकेशन कंट्रोल्स को क्यों लगाते हैं, ताकि हम अपने डाटा की CIA को मेंटेन कर सकें. CIA को मेंटेन कर सके मतलब हम अपने डाटा की CIA को मेंटेन कर सके मतलब अपने डाटा की कंप्लीटनेस को, अपने डाटा की इंटीग्रिटी को और अपने डाटा की एक्यूरेसी को, अपने डाटा की कंप्लीटनेस को, इंटीग्रिटी को और एक्यूरेसी को इंश्योर कर सके, इसलिए हम एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगाते हैं. ओके ओके मैम, आगे क्या आते हैं आपके तीसरे टाइप के कंट्रोल्स होते हैं, IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स. ये होते हैं कि होते तो ये मैनुअल कंट्रोल्स हैं, होते तो ये मैनुअल कंट्रोल्स हैं, लेकिन बेस्ड होते हैं ये आपके IT के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल मैम, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कंट्रोल लगाया हुआ है कि जो भी आपके डेटर्स की एजिंग की रिपोर्ट आएगी ना सिस्टम से, उसको हम फाइनल तभी मानेंगे, उसको यूज़ में तभी लेकर आएंगे, उसका यूज़ तभी करेगी एंटिटी जब उसके ऊपर आपके अकाउंटेंट के साइन होंगे. तो ये अकाउंटेंट का साइन होना एक मैनुअल कंट्रोल है, लेकिन इस मैनुअल कंट्रोल की डिपेंडेंट है उस रिपोर्ट के ऊपर जो आपके IT की हेल्प से आ रही है. तो ये होते हैं आपके IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स. ओके, जनरल IT कंट्रोल वर्सेज एप्लीकेशन कंट्रोल्स. इजिली आप इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हो. मूविंग फॉरवर्ड, अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर टेस्टिंग करेगा. अगर ऑडिटर को टेस्ट करना है कि एंटिटी के कंट्रोल्स कैसे हैं, ठीक है, अब उन कंट्रोल्स के ऊपर उसको रिलायंस प्लेस करना चाहिए कि रिलायंस प्लेस नहीं करना चाहिए, तो ये वो मेथड है जिनकी हेल्प से वो आपकी चेकिंग कर सकता है, और ये मेथड आपके ऑडिट एविडेंस वाले चैप्टर में आते हैं. ओके, इन इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शंस एंड री परफॉर्मेंस. यहाँ पे समझाने की कोई नीड नहीं है कि मेथड क्या होते हैं, यू नो दिस मेथड. क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, और इसको आप एस्ट्रिक मार्क कर लो. एस्ट्रिक इन द सेंस कि इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से MCQ का क्वेश्चन बनता है. केस स्टडी में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं MCQ में कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा ऑडिट एविडेंस, कौन सी सिचुएशन में कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए, और कौन सा ऑडिट प्रोसीजर किस टाइप का ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करेगा. तो सबसे पहले आता है इंक्वायरी. इंक्वायरी सबसे एफिशिएंट तरीका है. एफिशिएंट का मतलब हुआ सबसे कम टाइम लगता है. इंक्वायरी करने का मतलब क्या हुआ कि मैं पूछताछ कर रही हूँ एंटिटी के लोगों से कि मुझे ये बात बता दो, एंटिटी का ये काम कैसे होता है, वो काम कैसे होता है. उस जो पूछताछ का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे आई एम मेकिंग माई असेसमेंट, राइट, माई असेसमेंट, आई एम डूइंग माई टेस्टिंग. तो उसका क्या होगा, इंक्वायरी सबसे एफिशिएंट तरीका है, लेकिन सबसे लीस्ट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करता है. रीजन बींग, अगर सामने वाले बंदे ने जो तुमने उससे पूछा और उसने झूठ बोल दिया, तो उसकी कही हुई बात को अगर तुमने बेस बना के ओपिनियन दिया तो तुम गलत ओपिनियन दोगे. तो क्या है, इंक्वायरी आपका मोस्ट एफिशिएंट तरीका है बट लीस्ट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करता है. आपको इंक्वायरी को हमेशा किसी और मेथड, किसी और ऑडिट प्रोसीजर के साथ कंबाइन करके यूज करना चाहिए. मतलब अगर आप इंक्वायरी कर रहे हो ना, तो इंक्वायरी करने के साथ साथ तुम क्या कर लेना, इंस्पेक्शन भी कर लेना. अगर तुम इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन कर दोगे तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट रिजल्ट तुम्हें मिलेंगे. अगर तुमने पहले लोगों से पूछताछ करी, उसके बाद उस पूछताछ को बेस बनाकर तुमने क्या करना शुरू किया, तुमने इंस्पेक्शन करी, मतलब उसके ऊपर तुमने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करे, तो तुम इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑडिट कंडक्ट कर पाओगे. री परफॉर्मेंस सबसे इफेक्टिव तरीका है. मतलब जो किया हुआ एंटिटी ने जो काम ऑलरेडी कर चुकी है, उस काम को तुम दोबारा से रीपरफॉर्म कर रहे हो और फिर एक रिलायंस प्लेस कर रहे हो, सबसे इफेक्टिव तरीका है. मतलब सबसे अच्छे ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे, लेकिन सबसे इनएफिशिएंट तरीका है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग तरीका है. फिर अगला पॉइंट कहता है कि ऑडिटर को जो भी मेथड उसने यूज किया टेस्टिंग के लिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर देनी चाहिए. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कुछ नहीं बनता यहाँ से, सिर्फ MCQ बनता है. मूविंग फॉरवर्ड, ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा जब वो क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा इन दी ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट. तो ये वो मेथड फॉलो करेगा. ये मेथड मैं पढ़ूंगी और आप सिर्फ सुनोगे. आपको ये मेथड ऑलरेडी आते हैं. कैसे,
सबसे पहले ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। मैम ये तो अभी अभी हम समझ के आए कि बिना अंडरस्टैंडिंग के तो वो ऑडिट शुरू ही नहीं कर सकता। तो सबसे पहले वो उसने ये देखेगा कि इस एंटिटी में ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन होती कैसे हैं। वो बिगिनिंग टू एंड एक वॉक थ्रू ले लेगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन का वॉक थ्रू ले लेगा। उसके बाद वो देखेगा कि यूजर इन ट्रांजैक्शन को अलग अलग सिनेरियो में कैसे प्रोसेस करता है। उसके बाद वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी डिफाइंड है सिस्टम में, कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में मतलब उनको जो आपकी ये जो प्रोसेसेस हैं उनको आपके एंटिटी ने अपने सिस्टम्स में कैसे डिफाइंड किया हुआ है। उसके बाद वो सिस्टम के लॉग्स को भी चेक करेगा ये देखने के लिए कि जब एंटिटी ने लास्ट टाइम ट्रांजैक्शन डाली सिस्टम्स में चेंज कब आया। फॉर एग्जांपल जब वो लास्ट टाइम ऑडिट करने आया था तो उसने देखा था फर्नीचर के ऊपर 15% की डेप्रिसिएशन लगती थी, एंटिटी इस साल फर्नीचर के ऊपर 10% की डेप्रिसिएशन लगा रही है। तो ही विल चेक द लॉग ऑफ द सिस्टम। उसके बाद वो उनको बोलेगा मुझे यूजर मैनुअल दे दो, मैं यूजर मैनुअल से देख लेता हूँ कि आपके एप्लीकेशन सिस्टम्स कैसे चलते हैं। उसके बाद वो एक नेगेटिव टेस्टिंग करेगा। नेगेटिव टेस्टिंग क्या होती है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन डालेगा सिस्टम में। अगर गलत इन्फॉर्मेशन डालने पे भी आपके सिस्टम ने कोई एरर शो नहीं करी, इसका मतलब आपके सिस्टम खराब है। एक एग्जाम्पल लो, मान लो 31 मार्च जा चुका है, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आपका ऑडिटर बैक डेट की एंट्री डालने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो आज अप्रैल का महीना शुरू हो गया लेकिन वो उसमें मार्च की डेट की एंट्री डालने की कोशिश कर रहा है, और सिस्टम अगर उस एंट्री को उठा लेता है, कोई एरर नहीं शो करता, इसका मतलब आपके सिस्टम में इशू है। तो वो क्या करेगा, नेगेटिव टेस्टिंग करेगा। उसके बाद वो रीपरफॉर्मेंस भी कंडक्ट कर सकता है, मतलब रीपरफॉर्मेंस मतलब जो एंटिटी ने ऑलरेडी प्रोसेसेस करी हुई है उनको प्रोसेसेस को परफॉर्म करके ही कैन डू द टेस्ट। तो ये मेथड है जो वो परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, वॉक थ्रू वो देखेगा, मतलब किस एक पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को बिगिनिंग टू एंड अंडरस्टैंड करेगा उस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। उसके बाद वो देखेगा कि आपका जो यूजर है, जो आपकी एंटिटी है, वो उन ट्रांजैक्शन को कैसे प्रोसेस करती है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिफाइंड है सिस्टम में। उसके बाद वो ये अंडरस्टैंड करेगा कि उसके बाद वो एक प्रोसेस को करेगा जिसको कहते हैं नेगेटिव टेस्टिंग, फिर वो करेगा रीपरफॉर्मेंस। उसके बाद वो रीपरफॉर्मेंस के बाद आपकी टेक्निकल या मैनुअल यूजर को भी मैनुअल गाइड को यूज कर सकता है, या फिर सिस्टम के लॉग्स को भी चेक कर सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सी टेक्निक्स को वो यूज करेगा, कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करेगा, इधर आओ, देयर इज कियोस, सो आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करेगा, सबसे पहले कौन कौन से मेथड को यूज करेगा, एक तो रीपरफॉर्मेंस हमने पढ़ा, मेथड में कौन कौन से आते हैं आपके, सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले वॉक थ्रू, लिखो लिखो रफ कॉपी में लिखो वॉक थ्रू, ठीक है। पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को इंसेप्शन से लेकर एंड तक कैसे वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है इन दी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उसको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। उसके बाद मैम वो देखेगा कि यूजर कैसे प्रोसेस करता है इन ट्रांजैक्शंस को, सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिफाइंड है किसी भी सिस्टम के। उसके बाद मैम वो सिस्टम के लॉग्स भी चेक करेगा, सिस्टम के लॉग, ये देखने के लिए कि उसमें चेंज कब हुआ है, ठीक है। रीपरफॉर्मेंस भी करेगा, कर सकता है, ठीक है। नेगेटिव टेस्टिंग, गलत इन्फॉर्मेशन डाल के देख लेगा। तो ये कुछ मेथड है जिनको वो यूज़ करता है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इसको आप करोगे सेल्फ। क्यों, यहाँ पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल समझने के लिए आपको कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन होता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 134 मूविंग फॉरवर्ड, अगला टॉपिक आता है आपका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का। पहले हम डाटा एनालिटिक्स इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डाटा एनालिटिक्स। हाँ, ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का टॉपिक मैं नहीं कराऊंगी, इसका रीजन है सिंपल सा, इसमें आपको कंपनीज एक्ट का सेक्शन 134 एप्लीकेबल होता है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और इतना टाइम है नहीं कि मैं अभी आईएफएससी वाला ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कराऊं। अगर आपको चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक तो यू कैन पुट द कमेंट,
सेक्शन बिलो और मैं इसको अलग से मेरा ऑब्जेक्टिव पता क्या बन जाता है, मेरा ऑब्जेक्टिव बन जाता है याद ही हो जाए, इस वाले टॉपिक को हम यहां पे कवर नहीं करेंगे, यहीं से सब कुछ सीख के चले जाएंगे। अब आता है आपका अगला टॉपिक, मुझे नहीं पता कि आपने क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई एम सो सॉरी जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास इतनी लंबी हो चुकी है उस टीचर ने कैसे पढ़ाई की, क्लास हो चुकी है ये, आई हैव नो आईडिया, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्टिव बन जाता है बस याद करा दो आज से, मेरे कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मजा बहुत आया होगा ये क्लास देखने, फिर आता आपका डाटा एनालिटिक्स टू एंड देखी है तो डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, अगला टॉपिक है आपका डाटा एनालिटिक्स का, कुछ डाटा एनालिटिक्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यस इट इज वेरी यूज करके होता क्या है, सिंपल से टर्म में बताऊं, सिंपल से सेंस में बताऊं, ये टूल्स होते हैं, जब आप टेक्निक किसी टूल्स को यूज कर रहे हो, किसी टेक्निक को यूज करके वो डाटा से इंफॉर्मेशन जिनको यूज करके आपके इस फॉर्म में कि वो इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल बन जाए, उस टेक्निक को कहते हैं डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स कॉम्बिनेशन होता है किसका, आपका ऑडिटर भी यूज करता है और कॉम्बिनेशन ऑफ आपके टीपी, तो मैंने क्या बोला मतलब कि डाटा एनालिटिक्स कॉम्बिनेशन एंटिटी यूज करती है किसका, रॉ डाटा को निकालने में और उस रॉ डाटा को कन्वर्ट करने में प्रोसेसेस का, टूल्स का, आपका ऑडिटर का जिसको यूज करके आपकी एंटिटी क्या, ताकि वो आपकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डाटा से मीनिंगफुल एग्जांपल कार्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन निकाल, कार्ट एक ऐसी टेक्निक है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डाटा एनालिटिक्स का, ऑडिटर भी डाटा एनालिटिक्स टूल, अगला क्वेश्चन आता है कि आपका ऑडिटर डाटा एनालिटिक्स में अपना इन ऑर्डर डाटा एनालिटिक्स कैसे यूज कर सकता है अपनी ऑडिट, तो जो मतलब किस एरिया ऑफ आपका ऑडिटर यूज करता है, आपका ऑडिटर डाटा एनालिटिक्स को यूज कर सकता है, डाटा तो आप इसको आप लिख सकते हो सीएस कार्ट, आपको डाटा एनालिटिक्स ऑडिटर कैसे यूज कर, ऑडिटर किस जगह पे आपको डाटा एनालिटिक्स को यूज कर सकता है, सबसे पहले इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपको मतलब याद रखना वो ये देखने के लिए कि जो भी डाटा याद रख सकते हो वो डाटा कंप्लीट है या नहीं, सीएसआर है वो डाटा जो आप अपने एनालिटिक्स के लॉ में पढ़ते हो 35, जब वो ऑडिट के अलावा दो पॉइंट्स आएंगे ऐसे 240 है उस टाइम पे भी, ठीक है, एक पॉइंट आया है, पॉइंट आएगा इवैल्यूएशन आर मतलब वेरी परफॉर्मेंस ऑफ द बैलेंस, जो ऑडिटर को मिली, कंफ्यूज मत हो, हम एक एक करके करेंगे कि आपका ऑडिटर डाटा की कैलकुलेशन कहां कहां पे क्या डेप्रिसिएशन, नंबर 1 ये देखने के लिए सी मतलब जब आपका ऑडिटर चेक करता है कंस्ट्रक्ट दूसरा जब वो ऑडिट के सैंपल निकालता है एस मूविंग डाटा एनालिटिक्स का यूज कर सकता है, फॉर एग्जांपल रैंडम सैंपल, सिस्टमैटिक सैंपल, ये बेस होते हैं सैंपलिंग के जिससे हम सैंपलिंग करते हैं, ये हम पढ़ते हैं आपके ऐसे मंथ्स का यूज कर सकता है, ठीक है, जब वो रिकंप्यूटेशन करता है बैलेंस जो आपके कंट्रोल में, रिकंप्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस फॉर एग्जांपल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइल बैलेंस, जब वो उसकी असेसमेंट करता है मतलब कि आपका ऑडिटर कई बार मान लो कि लेजर्स पर डाटा एनालिटिक्स का क्या करेगा, उससे वो एक फाइल बैलेंस बना के देख लेता है इन ऑर्डर टू रिकंप्यूटेशन बैलेंस, अपनी बैलेंस ऑलरेडी अपनी कंप्यूटेशन और कंप्लीट रिकंप्यूट डाटा को देखने के लिए, दूसरा एस मतलब जब डाटा एनालिटिक्स परफॉर्मेंस के टाइम डाटा एनालिटिक्स का ऑडिटर किए हुए प्रोसीजर्स को जब दोबारा स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के लिए आर मतलब ऑर्डर टू गेन, इन ऑर्डर टू गेन कंफर्ट कंप्यूटेशन के लिए दोस्त ने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके देख ली और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करके देख ली, तो उस टाइम पे भी वो आपकी टेक्निक का यूज कर सकते हो, सी का इंपैक्ट क्या आएगा, सी का मतलब जब आपका ऑडिटर कंप्लीटनेस ऑफ डाटा को चेक करता है, एस का मतलब जो सैंपल सेलेक्ट करता है, आर का मतलब जो भी कंप्यूटेशन करता है, आर का मतलब जो भी जिसको आपका ऑडिटर यूज, अगला मैंने बोला 240 फ्रॉड कहां कहां पे है, तो वहां पे भी वो आपकी डाटा एनालिटिक्स को यूज कर सकता है, आगे जब वो फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन करता है तो भी वो डाटा एनालिटिक्स का यूज कर सकता है, और इन सब के बाद जब आपका ऑडिटर
इवेलुएट करता है इम्पैक्ट को, मतलब जब उसको कंट्रोल में डेफिशिएंसीज मिल जाती हैं, फिर उसका इम्पैक्ट एनालाइज करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा और अल्टीमेटली वो उसके ओपिनियन को कैसे इफेक्ट करेगी, तो भी वो डाटा एनालिटिक्स का यूज कर सकता है। तो आप मेरे साथ एक बार बता दोगे कि किस किस जगह पे आपका ऑडिटर डाटा एनालिटिक्स का यूज कर सकता है, बता दोगे एक बार प्लीज, बता दो ना प्लीज, बता दो ताकि आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाए। मैम सबसे पहले वो यूज कर सकता है जब मेरा ऑडिटर कंप्लीटनेस को चेक करता है पॉपुलेशन और डाटा की, मैंने बोला वेरी गुड। उसके बाद मैम जब मेरा ऑडिटर सैंपल उठाता है तो भी यूज कर सकता है। मैम आर में आपने दो बातें बताई थी, कौन कौन सी? एक तो आपने बताया कि रिकम्प्यूटेशन के टाइम पे वो यूज कर सकता है, राइट? फिर मैंने आपने ये बताया कि रीपरफॉर्मेंस के टाइम पे भी वो यूज कर सकता है, जब वो रीपरफॉर्मेंस करता है कैलकुलेशंस की, रिपरफॉर्मेंस करते हैं आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, जैसे कि आपका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, और जैसे कि आपका इंटरेस्ट हो गया, एक एग्जांपल ये है। उसके बाद मैम आपने दो बातें ऐसे 240 की बताई कि एक तो जब वो फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन करता है, सीधा सीधा ऐसे 240 में फ्रॉड के बारे में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो फ्रॉड को फाइंड आउट कर लेता है, उसके बाद जब वो फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन करता है तब वो यूज़ कर सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, ये वैसे ऐसे 240 में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड को लेकर, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की कोई बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अगर ऑडिटर को अपॉइंट किया गया कि तुम फ्रॉड की ही इन्वेस्टिगेशन करो, मतलब उस स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर के लिए परफॉर्म किया अपॉइंट किया गया है, तो उस केस में भी वो इस ऑडिट टेक्निक का यूज कर सकता है, ठीक है। फिर वहां पे जब ऑडिटर को ऐसे 240 में जर्नल एंट्रीज के ऊपर एनालिसिस करना पड़ता है और उसमें फ्रॉड को ढूंढना पड़ता है, उस टाइम पे भी वो डाटा एनालिटिक्स का यूज कर सकता है। और जब वो इवैल्यूएट करता है, क्या इवैल्यूएट करता है, तुम इतने प्यारे बच्चे हो ना, तो सब कुछ बता देते हो, क्या इवैल्यूएट करता है, इंपैक्ट को इवैल्यूएट करता है ऑफ डेफिशिएंसीज, जो उसको डेफिशिएंसीज मिली है, जो उसको वीकनेसेस मिली है इन द इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। तो इन सारी जगह पे आपका ऑडिटर क्या करेगा, आपका ऑडिटर डाटा एनालिटिक्स का यूज कर सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, जब आपका ऑडिटर डाटा एनालिटिक्स का यूज करेगा तो वो कौन कौन से स्टेप्स को यूज करेगा, आप सिर्फ इतना से याद रखो, डाटा एनालिटिक्स में वो क्या कर रहा है, आपका ऑडिटर रो डाटा को क्या कर रहा है, एक मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट कर रहा है, मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऑडिटर कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेगा इस काम को करने के लिए, सबसे पहले वो क्या करेगा मैम, सबसे पहले तो अगर वो डाटा कोई भी टेक्निक यूज करे उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे 315 लगाएगा, तो हम आंख बंद करके बोल देंगे कि ऑडिटर को सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी बिजनेस इन्वायरमेंट की और आईटी की। उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव उसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्या कि मैं जो ये इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं, जो रिपोर्ट निकाल रहा हूं, जो डाटा निकाल रहा हूं, इस डाटा से मैं क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करूंगा। हम जैसे ऑडिट करना भी शुरू करते हैं, जैसे हमने पहला चैप्टर भी पढ़ा, वहां पे ऑडिटर सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, लेकिन फिर आपने ये भी बताया था कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसी तरीके से ऑडिटर को अपना ऑब्जेक्टिव यहां भी डिफाइन करना पड़ेगा कि उस डाटा को निकालने का उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्राइटेरिया मतलब कि किस क्राइटेरिया के अगेंस्ट उस डाटा को वो कंपेयर करने वाला है। तो आपके पास जैसे कि जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ऑडिट करता है तो उसका सब्जेक्ट मैटर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद वो सोर्स, मतलब कहाँ से उसको वो इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से उसको वो डाटा निकालना है और किस फॉर्मेट में उसको वो डाटा चाहिए, वो अपनी डिफाइन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। उसके बाद डाटा को निकाल लेगा। डाटा को निकालने तक का सफर समझ में आया? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है रो डाटा को, मतलब वो रो डाटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालेगा। तो सबसे पहले वो बिजनेस को समझेगा, उसके एनवायरमेंट को समझेगा, उसके बाद वो अपने ऑब्जेक्टिव को समझेगा, क्राइटेरिया को समझेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि मुझे कहां से डाटा निकालना है, सोर्स को आइडेंटिफाई करेगा और किस फॉर्मेट में उसको डाटा निकालना है वो आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसके बाद वो डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब उसके हाथ में क्या है, रो डाटा। अब वो देखेगा कि जो डाटा मैंने निकाला है वो डाटा कंप्लीट होना चाहिए और वो डाटा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तो उसने उसके ऊपर कंफर्ट ले लिया, फिर वो क्राइटेरिया को अप्लाई करेगा ऑन दी डाटा ऑब्टेंड, कि जिस भी क्राइटेरिया के अगेंस्ट उसको कंपैरिजन करना है उसको क्या करेगा, उस डाटा के ऊपर अप्लाई कर देगा। फिर वो जो भी उसने डाटा निकाला है, जो अब उसके पास डाटा आ गया है, अरे यार
वेट वेट, ये गलत है यहाँ पे वाला पॉइंट. हाँ, उसके बाद वो कंफर्म करेगा रिजल्ट को. उसके बाद क्या करेगा, कंफर्म करेगा रिजल्ट को और उसके बाद वो डॉक्यूमेंटेशन कर देगा. तो ऐसे आपका ऑडिटर क्या करता है, आपका ऑडिटर डाटा एनालिटिक्स को यूज करता है, इन स्टेप्स को फॉलो करता है. जब वो डाटा एनालिटिक्स को यूज करके रो इन्फॉर्मेशन से मीनिंगफुल डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, याद रहेंगे ये स्टेप, दोबारा से बता दोगे एक बार. अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी, ऑब्जेक्टिव को चूज किया, क्राइटेरिया को चूज किया. जब ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया, क्राइटेरिया को चूज किया, उसने देखा कि मुझे डाटा निकालना है, मुझे रो डाटा का सोर्स पता होना चाहिए और फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में मैं उस डाटा को निकाल लूंगा. उसके बाद जब उसके पास रो डाटा आ जाएगा तो वो देखेगा, जब उसने रो डाटा आ गया उसके पास देखेगा कि वो डाटा कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए. उसने क्राइटेरिया को अप्लाई किया डाटा के ऊपर और उसको जो भी रिजल्ट मिले उसको उसने कंफर्म कर लिया और अल्टीमेटली उसने क्या कर दिया, रिपोर्ट कर दिया. मतलब उसने अपना डॉक्यूमेंट बना लिया जो भी उसके रिजल्ट थे उसका. मूविंग फॉरवर्ड, अब आपके ऑडिटर पूरी ऑडिट कर चुका है, आपका ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर चुका है, इंटरनल कंट्रोल्स को देख चुका है, डेफिशिएंसीज को देख चुका है, उसके हाथ में भी क्या है, फाइंडिंग्स है. आपका ऑडिटर ऑडिट फाइंडिंग को एसेस करेगा और उसकी रिपोर्ट करेगा. मतलब जो भी उसके रिजल्ट होंगे अपनी फाइंडिंग्स को बेस बनाकर, जो भी उसको सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले होंगे उनको बेस बनाकर वो अपना एक ओपिनियन दे देगा. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आपका ऑडिटर किन किन चीज़ों को कंसिडर करेगा जब आपका ऑडिटर इन सारी चीज़ों का, मतलब जब आपका ऑडिटर एक कंक्लूजन पे पहुंच रहा होगा, जब आपका ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना रहा होगा, जब वो इवेल्युएशन कर रहा होगा अपनी फाइंडिंग की. तो यहाँ पे आ सकता है, दो तीन नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि किन किन चीज़ों को आपका ऑडिटर कंसिडर करेगा. नंबर वन, जब उसने इंटरनल कंट्रोल्स चेक करेंगे. आप सिर्फ ऊपर से जब आप इवेल्युएशन वाला पॉइंट समझोगे कि ऑडिटर किन किन चीज़ों को इवेल्युएट करके रिजल्ट बना रहा है, तो आप ये देखना कि जब आपके ऑडिटर ने चेक क्या किया था. सबसे पहले आपके ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल्स को समझा था, तो सबसे पहले उसको क्या देखा होगा उसने कि क्या मुझे इंटरनल कंट्रोल्स को जब मैंने समझा मुझे कोई वीकनेस मिली या नहीं. तो सबसे पहले क्या बोलेगा कि क्या मुझे कोई वीकनेस आइडेंटिफाई हुई या नहीं. सबसे पहले वो बोलेगा कि क्या मुझे कोई वीकनेस आइडेंटिफाई हुई या नहीं, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस वीकनेस ऑन ओवरऑल ऑडिट. इफ यस, अगर कोई वीकनेस उसको मिल गई है, मतलब उसको पता लग गया कि मान लो कि एप्लीकेशन कंट्रोल में कोई वीकनेस है या जनरल आईटी कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, उसमें कोई वीकनेस है और मैनेजमेंट के पास कोई भी तरीका नहीं है टू मिटिगेट दोज डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल, वो देखेगा कि अगर वो वीकनेस मिल गई है तो इसका इफेक्ट मेरी ऑडिट के ऊपर क्या पड़ रहा है. उसको देखना ही पड़ेगा क्योंकि उसका इफेक्ट उसकी ऑडिट, अगर उसको इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस मिली है तो अल्टीमेटली उसको अपना नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ जो भी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का एनटीई है उसको भी रिवाइज करना पड़ेगा. तो क्या इवेल्युएट करेगा वो कि वो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है उसकी ऑडिट के ऊपर. तीसरा, अब उसको डेफिशिएंसीज मिली हैं किसके अंदर, डेफिशिएंसीज मिली हैं उसको अपने इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर, तो उसको मतलब ऑडिटर को अपनी इन डेफिशिएंसी को किसको बताना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा. मतलब ऑडिटर को क्या इशू करना पड़ेगा, ऑडिटर को एक लेटर ऑफ वीकनेस इशू करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो लेटर ऑफ वीकनेस इशू करेगा. उसके बाद वो देखेगा कि ये जो डेफिशिएंसीज मिली हैं क्या इनमें से कोई भी डेफिशिएंसी मेरी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, क्या कोई भी डेफिशिएंसी मेरी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है. ये वही डेफिशिएंसी है जो एसए 265 में आती है, जो आपके ऑडिटर को टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करनी पड़ती है. ठीक है, तो जब आपका ऑडिटर असेसमेंट कर रहा होगा अपनी फाइंडिंग्स की, मतलब जो भी उसको ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं, जब वो इनको इवेलुएट कर रहा होगा उनके इफेक्ट को देखने के लिए, क्योंकि अगर उनका इफेक्ट मटीरियल है, पर्सुएसिव नहीं है, मटीरियल एंड पर्सुएसिव है, जैसे कि वो 700 एसए में जो भी उसको ओपिनियन देने पड़ते हैं, जब वो उसको ओपिनियन बना रहा होगा उस टाइम पे उसको क्या करनी पड़ती है, इवेल्युएशन करनी पड़ती है. इवेल्युएशन के टाइम पे वो देखेगा कि जो भी मैंने इंटरनल कंट्रोल्स चेक करे क्या उसमें डेफिशिएंसी है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ये जो डेफिशिएंसी है उसका इफेक्ट मेरे ऑडिट पे क्या पड़ रहा है. तीसरा पॉइंट, क्या मुझे इन डेफिशिएंसी को किसको बताना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा. चौथा, अगर इस डेफिशिएंसी में कोई ऐसी डेफिशिएंसी है जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है जो एसए 265 में डिफाइंड है, तो क्या मुझे, ऑब्वियसली अगर उस डेफिशिएंसी 265 वाली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो ऑडिटर को उस डेफिशिएंसी की कम्युनिकेशन टीसीडब्ल्यूजी को करनी पड़ती है एज पर एसए 265. तो वो
कम्युनिकेशन एसए 265 के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। फिर आता है कि आपका ऑडिटर असेसमेंट कैसे करेगा, ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। बेसिक मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो भी असेसमेंट वाला प्रोसीजर हम नॉर्मल ऑडिट में फॉलो करते हैं, ठीक है, वही आपका ऑडिटर यहाँ पे भी फॉलो करेगा कि जो भी उसकी फाइंडिंग्स थी, उसकी प्रोफेशनल जजमेंट में फाइंडिंग्स कितनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है, उसकी ऑडिट के लिए कितना इफेक्ट उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आता है, ETC, तो आप इसको सेल्फ रीड कर लोगे। ओके, ये जो अप्रोच है ना, एसेस द ऑडिट फाइंडिंग, ये अप्रोच मैं करा देती हूँ। और मैं ये बता देती हूँ कि सर यहाँ पे आपके केस स्टडी के क्वेश्चन बन जाते हैं, और केस स्टडी के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, एमसीक्यू के भी बन जाते हैं, किसी भी वे से यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कैसे, देखो, जब आपका ऑडिटर ऑडिट फाइंडिंग्स को एसेस कर रहा होगा, आपको समझ में आ रहा है कि हम किस स्टेज पे हैं। ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए हैं, उसके हाथ में फाइंडिंग्स हैं, उसके हाथ में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैं। जैसे ही वो रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बनाने से पहले उन फाइंडिंग्स की वो असेसमेंट करेगा, उन फाइंडिंग्स को वो इवेलुएट करेगा, ये देखने के लिए कि वो ऑडिट फाइंडिंग्स मेरी ऑडिट के लिए कितनी रेलिवेंट है, उसका अल्टीमेटली इफेक्ट मेरे रिपोर्ट के, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितना पड़ रहा है, और मेरी रिपोर्ट उससे कितनी इफेक्ट हो रही है। उससे कहते हैं कि आपका ऑडिटर असेसमेंट कर रहा है ऑडिट फाइंडिंग्स के। ओके, तो सबसे पहले उसको कोई फाइंडिंग मिल गई है, कोई भी फाइंडिंग हो सकती है, कोई भी एक्सेप्शन हो सकती है। एक्सेप्शन समझ में आती ना आपको, क्या है कि जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी रिप्रेजेंटेशंस को लेकर, अजर्शंस को लेकर, और जो मैनेजमेंट का एक्चुअल में मैनेजमेंट की जो अजर्शंस सामने आई, दोनों में डिफरेंस है, मतलब कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट है। तो अगर उसको कोई फाइंडिंग मिली है या कोई एक्सेप्शन मिलती है, तो सबसे पहले वो देखेगा क्या ये एक इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी को दिखाता है, क्या ये एक इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी को दिखाता है, ठीक है। अगर उसका जवाब आया ना कि नहीं, ये जो फाइंडिंग्स है, ये एक्सेप्शन है, ये कोई एनोमली है, और इससे एनोमली क्या है, आई होप यू नो द मीनिंग, अगर आपने कहीं से भी क्लास ली है, अभी मैं अनदर 10 मिनट्स अफोर्ड नहीं कर सकती एनोमली को समझाने में, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात, कि जो भी उसको फाइंडिंग मिली है, जो भी उसको एक्सेप्शन मिली है, अगर वो कहता है कि नहीं, इसकी वजह से मुझे कोई भी कंट्रोल में डेफिशिएंसी नहीं नजर आती है, इसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी नहीं है, वो ठीक है, तो सीधा सीधा वो क्या करेगा, नीचे आएगा और डॉक्यूमेंट कर देगा अपने रिजल्ट को, मतलब जो भी उसकी असेसमेंट थी उसको डॉक्यूमेंट कर देगा और कंक्लूजन दे देगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे देगा, कुछ नहीं उसको और काम करना, ठीक है, क्योंकि उसके इंटरनल कंट्रोल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आगे। लेकिन ये आपका सीधा रूट हो गया, पहला रूट, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि जो भी मेरी फाइंडिंग्स है या जो भी मेरी एक्सेप्शन है, उसकी वजह से मुझे पता है कि मेरी कंट्रोल में डेफिशिएंसी है, ठीक है। ये फाइंडिंग्स मुझे मिली ही इस वजह से है क्योंकि मेरे इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं है। तो वो इस बात को जाके किसको बताएगा, मैनेजमेंट को बताएगा, मैनेजमेंट को बोलेगा हम ऊपर भी देख कर आए कि आपका ऑडिटर ये भी देखता है कि क्या उसको इस फाइंडिंग्स को मैनेजमेंट को बताना है या नहीं बताना है। तो वो रिपोर्ट करेगा किसको, मैनेजमेंट को। उसके बाद वो ये भी देखेगा कि इस डेफिशिएंसी के होने के कितने चांसेस हैं, इस डेफिशिएंसी की वजह से गलतियां एक्सेप्शन होने के कितने चांसेस हैं। वो ये भी इवेलुएट करेगा क्या ये डेफिशिएंसी, ये या जो भी डेफिशिएंसी आपकी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, ठीक है। उसको डेफिशिएंसी मिली, फिर वो क्या इवेलुएट करेगा कि क्या ये डेफिशिएंसी उसको, उसकी क्या है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, क्योंकि अगर वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो उसको एसए 265 के अकॉर्डिंग उसकी कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, किसको, आपकी TCWG को। उसके बाद जब वो कम्युनिकेट कर देगा तो उसका इफेक्ट, इम्पैक्ट को इवेलुएट करेगा अपने ऑडिट ओपिनियन पे, और अल्टीमेटली एक कंक्लूजन फॉर्म कर लेगा। ओके, अब आता है ये आपका कौन सा रूट था, ये आपके पास सेकंड रूट था। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपके ऑडिटर को डेफिशिएंसी मिली पर वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है, तो आपका ऑडिटर डेफिशिएंसी को चेक करेगा और ये भी देखेगा कि क्या आपके पास जो एंटिटी ने कोई कंट्रोल्स लगाए हैं, क्या कोई कंपनसेटिंग कंट्रोल्स हैं, अगर एंटिटी के पास कंपनसेटिंग कंट्रोल्स है, इसका मतलब कि डेफिशिएंसी तो है पर एंटिटी ने कंट्रोल्स भी लगाए हुए हैं जिसकी वजह से वो डेफिशिएंसी कंपनसेट हो जाती है। अगर ऐसा है तो ऑडिटर क्या देखेगा कि क्या उसको एडिशनल ऑडिट एविडेंसेस चाहिए, और अल्टीमेटली उसको डॉक्यूमेंट बना के क्या कर देगा, कंक्लूजन दे देगा।
ठीक है, ये आपका तीसरा रूट हो गया। फिर वो कहता है कि नहीं डेफिशिएंसी है पर एंटिटी ने कोई भी कंट्रोल्स नहीं लगाए, तो वो बोलेगा कि क्या उसके पास कोई भी और ऑडिट एविडेंसेस है जो इंडिकेट करते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर्स के, अल्टीमेटली कोई ना कोई ऐसे और ऑडिट एविडेंसेस उसने कलेक्ट कर लिए हैं जिसकी वजह से उसको लगता है कि डेफिशिएंसी है पर मिटिगेट भी किया जा सकता है, उसको खत्म भी किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो फिर वो देखेगा कि क्या उसको एडिशनल ऑडिट एविडेंसेस लगाने हैं, क्या उसको एडिशनल ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं और अपने रिजल्ट को वो क्या कर देगा डॉक्यूमेंट, और फिर वो कर देगा कंक्लूड। ये अंदर हो गया। उसके बाद कहता है कि नहीं डेफिशिएंसी है, मिटिगेटिंग फैक्टर्स भी मुझे नहीं मिले और एंटिटी ने कंट्रोल्स भी नहीं लगाए, तो फिर वो देखेगा कि इस डेफिशिएंसी का इंपैक्ट आपके आईटी या ऑटोमेटेड कंट्रोल या आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स के ऊपर आता है कि नहीं आता है। वो कहता है नहीं आता है। वो कहता है नहीं आता तो फिर हमें क्या लेना देना, सीधा सीधा डॉक्यूमेंट करो और कंक्लूजन दो। वो कहता है आता है, तो फिर अगर आता है तो ऑडिटर एडिशनल ऑडिट एविडेंसेस, आप ऑडिटर को क्या चाहिए होंगे एडिशनल ऑडिट एविडेंसेस और उसका उसके इफेक्ट को इवेल्युएट करेगा अपने ओपिनियन में और अल्टीमेटली कंक्लूड कर देगा। तो ये अलग अलग सिचुएशंस हैं, ये अलग अलग सिचुएशंस हैं जहां से इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और जहां से इंस्टीट्यूट आपसे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आई एम श्योर कि आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया होगा एंड में जाते जाते, क्योंकि 5-6 सिचुएशंस निकल के आती हैं इससे। मैं दोबारा से करवाती क्लास में इस चीज़ को, दोबारा से रिवाइज करवाती अभी, लेकिन क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, क्लास रिवीजन क्लास रही नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी कर रही हूँ। आई होप कि आप समझ पाओगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उस डाउट को पोस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, यू कैन पोस्ट। तो ये आपका चैप्टर था, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक मैंने छुड़वाया है एज सच, IFSC वाला। रीजन बीइंग, मुझे पहले आपको सेक्शन 134 समझाना पड़ता, बीच बीच में और भी सेक्शंस की वहाँ पे यूज और भी सेक्शन यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल सेक्शन 177, फिर सेबी की भी सेक्शन है, सेबी की भी रेगुलेशन है। तो फिर मैंने प्रेफर किया कि मैं इस क्लास को और लेंथी नहीं करती हूँ। अगर आपको वो ऑलरेडी वो कंसेप्ट क्लियर है IFC वाला, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाला, तो आप आगे बढ़ सकते हो इस चैप्टर के साथ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये भी चाहिए तो यू कैन पुट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल गिव यू दैट पर्टिकुलर पोर्शन एज वेल। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर क्लासेस। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।